गुड मॉर्निंग साथियों कैसे हैं आप सभी उम्मीद करता हूं बेटा बहुत अच्छे हो और 17 अक्टूबर के लिए आप मेंटली पूरी तरह से तैयार होकर बेहतरीन एग्जाम्स करके आओगे बेटा ठीक है ना तो इस सेशन को बेहतरीन करने के लिए मैं ये चाहूंगा कि जितनी जल्दी हो सके आ जाइए क्योंकि आज मैं वेट नहीं कर पाऊंगा चाहे दो बच्चे हो चाहे चार बच्चे मैं सेशन स्टार्ट करूंगा और यह दो घंटे का सेशन है ठीक है ना वैसे तो यह भी समय कम है क्योंकि मैंने बहुत कुछ प्लान किया था और अचानक सडन ध्यान वो आया कि भाई अब ये फीस केमिस्ट्री की जो भी है मैराथन दो घंटे की है ठीक है ना वैसे मैं चार घंटे से कम का प्लान नहीं करता इसलिए नहीं करता कि भाई उस समय लगता है कि भाई दिल से कुछ काम किया है पर कोई बात नहीं जो है उसी में बेटर करने की कोशिश करेंगे हैप्पी विजयादशमी प्रीति गुप्ता ठीक है ना भाई तो आइए फिर सेशन स्टार्ट करते दे कोई बात नहीं कुछ नहीं पर एक चीज जरूर कहूंगा एक बार कि जितने लोग नए हैं चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो लोग देखा नए पुराने जितने लोग हैं लाइक और शेयर कर दीजिए सेशन को एक बार दिल से जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिससे जो बच्चे को नहीं पता कि भाई लास्ट अभी सत्रह अक्टूबर लास्ट के लास्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जा रही फिजिक्स के उन तक भी बात पहुंच जाए तो आज के सेशन का जो पहला क्वेश्चन है यही से अब स्टार्ट करते बेटा चलिए बिना देर किए अब एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और आज का जो पहला क्वेश्चन है बेटा ये है कि किडनी में होने वाली पथरी का मुख्य अवय क्या है यह किडनी में बनने वाली जो वो पथरी है ये जो पथरी है किसकी बनी होगी जल्दी से आंसर देना शुरू कीजिए कोई गुड मॉर्निंग कोई मतलब जो भी गुड मॉर्निंग विशेष हो नहीं ठीक है ना मैं जानता हूं आप मेरी रिस्पेक्ट करते हो और आज के लिए मेरी रिस्पेक्ट यही है यदि आप मेरी सचमुच आदर करते हो तो एक काम कीजिए आप छोड़िए गुड मॉर्निंग सीधे क्वेश्चन के आंसर पर फोकस कीजिए ठीक है ना सलजा गुड मॉर्निंग भैया वेरी गुड मॉर्निंग सभी को राधे राधे राम राम और विजयदश्मी की ढेर सारी शुभकामनाएं और भगवान करे कि देखा तो भगवान राम करें कि जितने मेरे बच्चे हैं सारे सेलेक्ट हो जाए भैया कोई गुड मॉर्निंग नहीं अब सीधे क्वेश्चन पे तो भैया कोई बोल रहा है कि वन का ए होगा कैल्सियम ऑक्जेलेट तो बेटा यदि बात की जाए कि जो किडनी स्टोन होता है ये कैल्सियम और ऑक्जेलिक एसिड मतलब ये क्या है कैल्सियम हो गया और ये आपका कौन सा एसिड है ऑक्जेलिक एसिड दोनों की जब क्रिया होती है तो कैल्सियम ऑक्जिलेट नाम का सॉल्ट या लवण बनता है यही किडनी स्टोन है जिन लोगों को देखा किडनी स्टोन होता है उन्हें कुछ चीजें मना होती है जैसे और सकते क्या बोल सकते हैं हो गया साथ में टोमेटो या टमाटर ये हो गया आपका साग ठीक है ना भैया और ये क्या हो गया टमाटर हो गया ये दोनों मना होती है क्योंकि ये दोनों सोर्स हैं किसके ऑक्जेलिक अम्ल के इन दोनों में क्या पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है इसलिए कहा जाता है कि जिन्हें भी किडनी स्टोन है प्लीज कर सकते हैं क्या टमाटर और क्या करें साग न खाए क्योंकि इनमें अम्ल और कैल्शियम कहीं ना कहीं जा ही जाएगा शरीर में दूध से आ जाएगा सीधी सी बात है और भी जो चीजें तुम खाते हो खान पान में तो इस तरह क्या होगा ये किडनी स्टोन तुम्हारी खत्म ना होने वाली ये स्थिति आ जाएगी ठीक है ना तो क्वेश्चन नंबर वन का ए चलें फिर आगे चलिए अगला नाइट्रिक अम्ल निम्न में से किसके किस साथ क्रिया नहीं करता कॉपर गोल्ड जिंक आयरन ठीक है ना क्वेश्चन यह है कि नाइट्रिक अम्ल इनमें से किसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा और यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्यों अभी बताता हूं तुम वन पे अभी पढ़े हो टू पे आओ नाइट्रिक अम्ल किससे अभिक्रिया नहीं करेगा तो देखो भाई नाइट्रिक अम्ल में से से यदि यदि बात बात की की जाए जाए तो देखो इनमें सबसे से सब नेचर या प्रकृति पाए जाने वाले नाइटिकातु हैं जिनमें से गोल्ड है कॉपर है प्लेटिनम है यह जल्दी नाइट्रिक अम्ल से क्रिया नहीं करती ये उत्कृष्ट धातु है नोबल मेटल्स हैं और नोबल मेटल जल्दी क्या होती है साधारण कंडीशन में किसी से अभिक्रिया नहीं करती और यही चीज क्या है सोने की शुद्धता का प्रमाण

तो सोने की शुद्धता का पता लगाने के लिए हम किस एसिड का उपयोग करते हैं तो वो एसिड है नाइट्रिक अम्ल ये क्वेश्चन आ चुके हैं और इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि कौन से अम्ल का उपयोग सोने की शुद्धता का पता लगाने के लिए करते हैं तो ये बेटा होगा नाइट्रिक अम्ल ठीक है भैया विशाल और सिलेक्शन लेनी है भाई सुपर टेट वाले सुपर टेट जूनियर वाले अब बातें कम कर बेटा आ जाओ क्वेश्चन पे क्योंकि ये स्पेशली सेशन आप ही के लिए लाया गया लो भैया एक और चीज लाए तुम्हारे लिए खास आयोडेक्स जो कि एक दर्द निवारक मरहम है निम्न में से किसकी गंध उत्पन्न करता है मतलब जब आयोडेक्स क्या होता है कमर दर्द होता है मोच आ गई जैसे भी या कह सकते हैं पैरों में कह सकते हैं क्रैम्पिंग या अकड़न आ गई तो आप आयोडेक्स उसमें रगड़ते हुए ऐसे तो एक खुशबू आती है ये जो खुशबू है आयोडेक्स में किस केमिकल या रसायन की है आज मैं चाह रहा हूं मैक्सिमम क्वेश्चन खींच दू ज्यादा ज्यादा करा दू कि आ जाए यार अब दो ही दिन का समय मिला है एक दिन फिजिक्स देख लूंगा एक दिन के केमेस्ट्री देखूंगा और सभी को भाई देखा था यार ढेर सारी शुभकामनाएं विजयादशमी की और सोचो क्वेश्चन नंबर थर्ड राहुल राज बोल रहे क्वेश्चन नंबर थर्ड का ए हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है जल्दी तो देखो यदि बात की जाए कि आयोडेक्स की जो वो स्मेल आती है खुशबू आती है ये किसके वजह से मेथाइल किसके वजह से मेथाइल थर्ड का ए ऑप्शन, कोई आपस में बातें नहीं सिर्फ और सिर्फ आज सिर्फ क्वेश्चन से बातें होंगी <coughs> अगला मुख्यतः सभी तरल पदार्थ जो विद्युत के चालक होते हैं वो सामान्यतः अम्ल तथा आगे के विलयन होते हैं ठीक है ना मतलब ने का मतलब है कि मुख्यतः सभी तरल पदार्थ जो विद्युत के चालक होते हैं वो समानता अम्ल से किसके विलयन होंगे कॉपर के एल्युमिनियम के सॉल्ट या लवण के आयरन या लोह के क्वेश्चन नंबर फोर्थ या ये भी कह सकते हो कि जितने भी सुचालक होते हैं विद्युत के जो भी चालक होते हैं अच्छा सम्मी कपूर कह रहे सिर्फ क्वेश्चन आंसर चलो ठीक है यही कर लेंगे जिससे ज्यादा ज्यादा घींच सके क्योंकि दो ही घंटे का समय है सिर्फ बेटा इसके यदि बात की जाए तो सबसे सही आंसर होगा कौन सा सॉरी सॉल्ट या लवण कैसे भाई देखो जितने भी अम्ल होते हैं यदि पानी में बात की जाए तो पानी विद्युत का कुचालक है पर अम्ल या क्षार मिला दो सुचालक हो जाएगा या पानी में कह सकते हैं एन या कोई भी सॉल्ट या लवण जैसे आपने मिला दिया ठीक है ना तो भी पानी क्या हो जाएगा यह विद्युत का सुचालक हो जाएगा तो यह तीन चीजें हैं जो पानी को क्या होती है यदि पानी कर सकते उदासीन है और विद्युत का कुचालक है तो यह तीन चीजों में से यह कोई भी एक मिला दो पानी क्या हो जाएगा सुचालक हो जाएगा विद्युत का फोर्थ का सी अगला मिल्क ऑफ मैग्नीशिया निम्न में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में निम्न में से कौन सा क्षार उपस्थित होता है जो मिल्क ऑफ मैग्नेशिया है इनमें कौन सा क्षार पाया जाएगा या कौन सा बेस या क्षार पाया जाएगा जल्दी से बता दीजिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ और मिल्क ऑफ मैग्नेशिया की ज्यादातर यदि बात की जाए यूज किया जाता है पे एसिडिटी दूर करने के लिए अब समझदार के लिए इशारा काफी है एसिडिटी में था हमला थार हीर जल जल्ला बड़ा जल कुछ खा लिया बड़ी जलन हो रही है पेट में अब आपने एसिड और गैस बननी तो है तो उस समय क्या आप लेते हो क्या ईन तो कौन सा होगा फिफ्थ का डी तो देखो भाई इसका सबसे सही आंसर होगा मैग्नीशियम क्या हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ठीक है ना ये भी हो सकता है साथ में बात की तो एल्यूमियम हाइड्रोक्साइड भी एंटाएसिड के रूप में यूज करते हैं तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड किस रूप में काम करता है एंटाएसिड मतलब अम्लता दूर करने वाले पदार्थ के रूप में तो यह क्या एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है यहां पे थ्री है ठीक है ना तो फिफ्थ का ये आपने जेलुसिल सिरप पिया होगा और जेलुसिल सिरप यदि बात की जाए तो व्हाइट कलर का होता है क्यों व्हाइट कलर का है मिल्क ऑफ मैग्नेशियम मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की वजह से और एक बार सेशन को जितने लोग हैं लाइक और शेयर भी कर दीजिए फटाफट एक अम्ल एक चार के बीच होने वाली अभिक्रिया को कहते हैं मतलब एक अम्ल और क्षार के बीच जो भी अभिक्रिया होगी या ये भी समझ लो एक प्रबल अम्ल और एक प्रबल क्षार के बीच होने वाली अभिक्रिया को क्या कहते हैं कोई बात नहीं बच्चा यह गलती कर लो बस आगे गलती ना करो मेरा तो ये है बस और सेशन को लाइक और शेयर करके सबको जगाइए जल्दी से जगाइए कि सब आ जाए तो देखो एक अम्ल और क्षार की जो भी अभिक्रिया है ये कहलाएगी उदासीनीकरण कैसे जैसे मान लो ये एस है प्रबल अम्ल और ये प्रबल क्षार है स्ट्रॉन्ग बेस है इन दोनों की अभिक्रिया होगी तो क्या बनेगा एक तो बनेगा एनएसएल ये लवण हो जाएगा और दूसरे की बात करें तो क्या होगा एस टू पानी बनेगा तो यहां पे सिक्स का यदि बात की जाए सी ऑप्शन बिल्कुल सही है जैसे कई लोगों ने दिया भी है गुलफसा फातमा समी कपूर मीनाक्षी लंबियान उमेश यादव ऋचा सिंह सबने सी ऑप्शन दिया बहुत अच्छा निम्न में से किसमें ससंयोजक बंध पाए जाएगा देखो भाई कोई भी एलिमेंट या तत्व स्टेबल होने के लिए या कर सकते हैं क्या स्थायी होने के लिए क्या करता है यह दूसरे तत्वों के साथ बंध बनाता है इस बंध में या तो वह इलेक्ट्रॉन एक कोई तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागेगा ठीक है और दूसरा उसे एक्सेप्ट करेगा या तो हो सकता है दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को देंगे वो ससंयोजक बंध है और एक बंध स्पेशल टाइप का है जिसमें लेन और देन दोनों होता है वो कोऑर्डिनेट बाड है उप ससंयोजक है तो क्वेश्चन नंबर सेवेंथ निम्न में से किसमें सह संयोजक बंद उपस्थित होगा सोचिए क्वेश्चन नंबर सेवन का कई लोग ए भी बोल रहे हैं डी भी बोल रहे हैं ये हैं दुर्गेश ठाकुर डी बोल रहे हैं अच्छा बाकी लोग एन मुझे पता है भैया एन में बदमाशों क्या होता था ये देखो एल जो एन एस सी एल एन एस सी एल रहे हो सोडियम के की यदि बात की जाए परमाणु क्रमांक इलेवन होता है तो पहले कोष में दो आठ एक आठ इलेक्ट्रॉन इसके अंतिम कक्षा में होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए देखते हैं मिलेगा कि नहीं क्लोरीन का 17 है तो टू एट सेवन क्लोरीन को चाहिए एक इलेक्ट्रॉन ये मिल सकता है अब दोनों बंद बनाने के लिए आमने सामने आ गए रजामंदी से क्लोरीन में आपके यदि बात की जाए तो कितने सात इलेक्ट्रॉन हैं ठीक है ना ये सात इलेक्ट्रॉन और सोडियम के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ही है तो सोडियम सोचता सात तो मिलेगा नहीं बढ़िया है कि भैया एक दे दो तो सोडियम में कैसा विद्युत संयोजक बंद बनेगा और डी ऑप्शन की बात की जाए तो देखो कार्बन टेट्राक्लोराइड मतलब चार क्लोरीन आपके जुड़ेगा कार्बन के देखो बात की जाए तो ये होता है सी पहले कक्षा में दो दूसरे में चार क्लोरीन की जानते ही हो तो कुछ कहने की जरूरत नहीं क्लोरीन में यहां पे कितने सात इलेक्ट्रॉन के साथ यह हाजिर होगा बंद बनाने के लिए और कार्बन के पास कितने चार ही इलेक्ट्रॉन है लास्ट कोस में ठीक है ये ऐसी कंडीशन आ गई है ठीक है अब देखो भाई कार्बन क्या करता है कार्बन है देखो भाई मैं दे तो सकता था पर दे दूंगा तो यार कुछ होगा नहीं मैं स्टेबल कैसे होगा तो एक एक बॉन्ड का क्या होगा साझा होगा क्या होगा एक-एक बॉन्ड या बंद का यहां पे क्या होगा साझा इनके बीच होगा एक इधर से एक इलेक्ट्रॉन के साथ बंद बनाए एक इधर से एक इलेक्ट्रॉन के साथ और एक इधर से एक इलेक्ट्रॉन तो देखो <coughs> कार्बन के पास चार पहले से था चार अलग से मिल गया इसके बाहरी कक्षा में आठ इलेक्ट्रॉन हो गए स्टेबल क्लोरीन को भी देखो भाई क्या प्रत्येक को एक एक इलेक्ट्रॉन कार्बन से मिल गया यह भी तो यहां पे कर सकते कार्बन जो टेट्रा क्लोराइड है इसमें सहसंयोजक हो बंद होगा सेवेंथ का डी ऑप्शन बिल्कुल सही कोई दिक्कत परेशानी सबको समझ में आ गया ना हां भैया सोडियम पोटेशियम का चाकु काटा जा और सोडियम इनको कहा जाता है मिट्टी के तेल में रखा जाता है क्योंकि मिट्टी के तेल में यह ऑर्गेनिक या कार्बनिक विलायक है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता इसलिए सोडियम पोटेशियम मिट्टी के तेल से अभिक्रिया नहीं करेगा परंतु तो वही पानी में रखोगे तो सोडियम अभिक्रिया कर लेगा क्यों कर लेगा इसलिए अभिक्रिया कर लेगा क्योंकि पानी में कह सकते ऑक्सीजन होता है और उससे अभिक्रिया करेगा ठीक है ना तो ये चीजें हैं बहुत कुछ थी बाकी आपने केमिस्ट्री में पढ़ भी रखा होगा केमिकल बॉन्डिंग और तमाम ठीक है ना चले आप आगे देख लेना भैया नो प्रॉब्लम अगला है भूपटल में सबसे प्रचुर मात्रा में मिलने वाली धातु ठीक है ना यदि बात की जाए कि भूपटल में सबसे प्रचुर मात्रा या सबसे ज्यादा मात्रा में मिलने वाली इनमें से जो भी धातु कौन सी होगी बताइए भूपटल में इनमें से मिलने वाली सबसे प्रचुर धातु कौन सी है जस्ता तांबा एलुमिनियम लोहा कोई बात नहीं चलिए बेटा इसका यदि बात की जाए तो क्या आंसर हो सकता है ठीक है ना तो देखो बेटा एक चीज याद रखना ओ एक कोड बता रहा हूं सी ठीक है ना ओसिया का ठीक है ना जितने भी जापानीज नाम होते हैं वह ऐसे ही होते लास्ट में की जो ऐसे वो देखा ओसिया का निशा का ऐसे तो सबसे ज्यादा जो तत्व पाया जाएगा वो होगा ये कौन सा ऑक्सीजन दूसरा इसका बात की जाए तो कौन सा होगा सिलिकॉन इसका सिंबल एस और तीसरे नंबर पे कह सकते हैं क्या होगा एल्यूमिनियम और ये क्या है कैल्शियम तो सारी पृथ्वी के कह सकते हैं भूपटल में सबसे ज्यादा जो अतत्व होगा ऑक्सीजन उसके बाद कह सकते हैं क्या होगा सिलिकॉन फिर एल्यूमिनियम और कैल्सियम ये याद रखना इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हां भैया है, रात को मेला देखने जाना और ले आना ढेर सारे खिलौने ठीक है ना तो यहां पर सबसे परफेक्ट आंसर होगा एर्थ का सी अगला एस टू एक तरल जबकि हाइड्रोजन सल्फाइड एक गैस है एस टू है एक तरल मतलब कह सकते हैं द्रव अवस्था में रहता है जबकि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस अवस्था में रहती है इसका कारण क्या हो सकता है तो देखो बेटा इसमें साफ बता बता दे सीधे बता दे रहा रहा हूं हूं सीधे आंसर इसका एक रीजन ये होगा कि भाई देखो भाई देखो क्या ऑक्सीजन सल्फर सल्फर की अपेक्षा अधिक प्रबल क्या बनाता है हाइड्रोजन बंद तो देखो एस टू एस में हाइड्रोजन सल्फाइड में हाइड्रोजन बंद नहीं बनता जबकि वाटर में हाइड्रोजन बंद बनता है और हाइड्रोजन बंद की वजह से क्या होता है जो जल है वो तरल अवस्था में होता है तो नाइन्थ का ए ऑप्शन ठीक है अगला निम्न में से किस योगिक में सबसे प्रबल हाइड्रोजन बंद बनेगा इनमें से कौन सा योगिक है जिसमें यदि बात की जाए कि सबसे स्ट्रॉगेस्ट या सबसे प्रबल हाइड्रोजन बंद बन बनेगा एच आई हाइड्रोजन आयोडाइड एससीएल हाइड्रोजन क्लोराइड हाइड्रोजन फ्लोराइड और हाइड्रोजन ब्रोमाइड इनमें से ये देखो सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व हाइड्रोजन के साथ कौन सा जुड़ा है ठीक है ना तो मैं खुद ही आंसर मिल जाएगा तो सबसे स्ट्रांग या सबसे प्रबल हाइड्रोजन बॉन्ड किसके साथ बनेगा जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव या बहुत ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तो यह कह सकते हैं कि जो हाइड्रोजन फ्लोराइड है ठीक है ना तो जो हाइड्रोजन फ्लोराइड है वो सबसे प्रबल बनाएगा ये क्या हाइड्रोजन बन चले आओ अगला निम्न में से कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है मद इनमें से कौन सी मेटल या धातु है आज ही मैंने बताया था कि मुक्त अवस्था में पाएगी जाएगी किसी से क्रिया नहीं करती वो धातु आपकी कौन सी हो जाएगी गोल्ड या सोना एलेवेंथ का बी यहां पे सोचने की जरूरत नहीं है ठीक है ना तो वो कौन सी धातु है सोना वो धातु है जो कह सकते हैं क्या अब क्रिया नहीं करेगी चले जहां रुकना होगा रुकेंगे जहां नहीं रुकना है भागेंगे एनएससीएल में कौन सा बंध उपस्थित होता है तो एनएससीएल में यदि बात की जाए कौन सा बॉन्ड या बंद उपस्थित होता है तो ये बेटा आज ही बताया था एन में जो बॉन्ड होगा वो कौन सा होगा आनेक बॉन्ड होगा या कह सकते यहाँ पे क्या आयनिक बांड या वैद्युत संयोजक बंद होगा किसमें में, में? आज ही बताया था ठीक है तो रुकना की जरूरत नहीं है भैया ये भैया सोना बाबू कौन है भाई यही सब तुम लोग भैया बतिया हो गए भैया सोना बाबू और ये चोना बाबू ना ये जब तक सिलेक्शन नहीं तब तक कुछ नहीं अगला क्वेश्चन नंबर थर्टी मनुष्य को जब चीटी काटती है तो उसके द्वारा कौन से अम्ल निष्कर्षण होता है मतलब जब चीटी काटती है तो उसके द्वारा मतलब चीटी के द्वारा कौन सा शरीर में हमारे अम्ल आता है जिससे पेन या दर्द होता है और एक बार जो भी है सेशन को लाइक और शेयर भी करते जाइए तो कौन सा अम्ल होगा तो बेटा इसका सबसे सही आंसर होगा कौन सा फार्मिक अम्ल कौन सा होगा फार्मिक अम्ल ठीक है ना तो फार्मिक अम्ल के वजह से जो भी पेनिया दर्द होगा निम्न में से किसमें फार्मिक अम्ल पाया जाता है इनमें से कौन सा है जिसमें फार्मिक अम्ल पाया जाएगा तो ये होगा रेड आंट जिसे कहा जाता है फार्मिका रेड आंट को फार्मिका भी बोलते हैं ठीक है ना और इसी कह सकते हैं रेड आंट के नाम पे जो एसिड पाई जाती है जिसके मतलब वैसे चीटियों के काटने की वजह से दर्द होता है उसका नाम भी रखा गया क्या फार्मिक अम्ल तो ये फार्मिका रेड अंड को फार्मिका भी बोलते हैं ठीक है ना तो इसलिए वही क्या हो गया उनमें जो एसिड है उसका नाम रखा गया फार्मिक अम्ल चले आओ। अगला मनुष्य के रक्त का पीएच मान जल्दी से बता दीजिए मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होगा सेवन पॉइंट थ्री टू सेवन पॉइंट फोर यहां पे सबसे परफेक्ट आंसर होगा सेवन पॉइंट थ्री टू सेवन पॉइंट फोर और यदि मनुष्य के रक्त का कह सकते हैं नेचर या प्रकृति कैसा होगा तो यह होगा बेटा स्लाइटली बेसिक या हिंदी में कह सकते हैं थोड़ा सा होगा किसका नेचर ब्लड या रक्त का ठीक है चलें तो रुकेंगे नहीं जब तक देखा था क्या कोई काम नहीं है रुकने लायक तब तक नहीं लेड या सीसा का इनमें सबसे प्रमुख जो भी कह सकते हैं क्या होगा अयस्क कौन सा है गैलेना मैग्नेटाइट पारियोलुसाइट बताइए सीडेराइट ये इतने हैं इनमें से कौन सा लेड या सीसे का अयस्क होगा नहीं पता कोई बात नहीं गैलेना क्या होगा बोलते पीबीएस गैलेना ये लेट का सबसे प्रमुख है मैगनीज का अयस्क है।, तो है, है, है।, है? है, का का है और सीटेराइट यदि बात करें तो ये किसका आयरन का ही अयस्क है तो यहां पे कौन सा आंसर होगा सबसे परफेक्ट आंसर ये क्या होगा गैलेना होगा लो किसका सीसे का लो भाई अगले क्वेश्चन का भी आंसर मिलेगा मैग्नेटाइट यदि बात की जाए इनमें से किसका अयस्क है तो मैग्नेटाइट का फॉर्मूला एफ थ्री ओ फोर और ये किसका ये आपकी बात की जाए तो जो आयरन है या कह सकते हैं लौह तत्व किसका जो आयरन या लौह तत्व है उसका क्या अयस्क होगा मैग्नेटाइट ठीक है तो इसी के साथ हमने क्या कर लिया 25 मिनट बीत चुके हैं और 18 नंबर क्वेश्चन पे जबकि पर मिनट के हिसाब से मैंने सोचा था कम से कम कितने एक से दो क्वेश्चन अगला तार बात की जाए तो फ्यूज तार इनमें से किसके मिश्रण होते या किसके बने होते हैं तो बेटा इसमें सोचने की जरूरत नहीं आपने पहले भी देखा होगा तार जो है टीन और साथ में किसके लेड मतलब सीसा तो ये किसके सीसा और टीन से बने होते हैं और इनका क्या बोलते हैं तार के पूछा जाता है गुणधर्म तो तार का क्या होता है गलनांक क्या होता है कम और प्रतिरोध और प्रतिरोध क्या होगा उच्च होगा प्रतिरोध उच्च होने के वजह से क्या होगा इसमें धारा बहुत मुश्किल से बहेगी जिससे यह तार क्या होगा गर्म होगा और गलनांक कम होने की वजह से जल्दी पिघल जाएगा कब यदि बहुत ज्यादा यदि मान लीजिए कभी वो हो गया आ, क्या हो गया मतलब शॉर्ट सर्किटिंग हो गया तो धारा जैसे तेईस से बहेगी तो प्रतिरोध इसका ज्यादा होता धारा बहने पाएगी ये तार गर्म होगा और जल्दी क्या होगा गलनांक कम होने की वजह से मेल्ट हो जाएगा पिघल जाएगा तो ठीक है ना और इससे सर्किट में करंट की सप्लाई बंद एटीन का ए चले आगे अगला वह मिश्र धातु जो विद्युत उष्मीय संयंत्र बनाने में उपयोग में लाई जाती है विद्युत विद्युत उष्मीय संयंत्र का मतलब यह जैसे किसी चीज को गर्म करने वाली चीज है इसका आंसर सोचने की जरूरत ही नहीं है भाई जैसे मान लो हीटर हो गया हीटर के क्वाइल किससे बनेंगे या जो प्रेस है उसमें मतलब प्रेस को गर्म करने वाले जो कॉइल है किसकी बनेगी तो भैया सीधा आंसर है यहां पे निकिल और कह सकते हैं क्रोमियम से मिलके क्या बनेगा नाइक्रोम बनेगा क्वेश्चन नंबर नाइनटीन का सी अगला यदि बात की जाए विच ऑफ द फॉलिंग मेटल इज यूज इन द फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड मतलब इसमें कह सकते हैं फेन प्लवन विधि द्वारा किस धातु के धातु कर्म किया जाता है मतलब इनमें से कौन से कर सकते हैं जो अयस्क होंगे उनके शुद्धिकरण में फेल, फेन प्लवन विधि का उपयोग किया जाएगा बेटा यदि जा, जो सल्फाइड अयस्क है इनमें किया जाता है किसके फेन प्लवन विधि का उपयोग कैसे इसमें क्या किया जाए तर्पिनटाइन ऑयल मतलब तारपिन के तेल में सल्फाइड अयस्क जो भी डाला जाएगा और उसके बाद क्या किया जाएगा तेज उसमें मतलब उस चेंबर में हवा प्रवाहित किया जाएगा जिससे क्या होगा सल्फाइड अयस्क में से जो सल्फर है वो क्या होगा झाक के साथ ऊपर आ जाएगा और सल्फर या गंधक को हम अलग कर लेंगे तो वहां पे यूज किया जाता है और इसी के साथ 30 मिनट में 20 क्वेश्चन अब स्पीड धीरे धीरे बढ़ेगी क्योंकि मैं चाह रहा था कुछ बच्चे आ जाए अगला है माचिस के तिल्ली के सिरे पर फास्फोरस का कौन सा अपरूप प्रयोग किया जाता है तो जो माचिस की तिल्ली होती है मैच स्टिक जो होती है उसके ऊपर यदि बात की जाए इनमें से कौन सा फास्फोरस का आस का उपयोग किया जाएगा जल्दी से बता दीजिए तो बेटा इसका आंसर क्या हो जाएगा लाल फास्फोरस तो जो माचिस की तिल्ली होती है मैच स्टिक होती है ठीक है ना इसके ऊपर लाल फास्फोरस की जो भी लेयर या इससे बनी होती है ठीक है आओ अगला वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्री गैस इनमें से दी बात की जाए कौन सी अक्री गैस क्रिप्टान ऑर्गन नियॉन और हीलियम ये कह सकते हैं इनमें से कौन सी अक्री गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाएगी हमारे वायुमंडल में जल्दी से तो बेटा यदि बात की जाए कि सबसे ज्यादा जो अक्री गैस पाई जाएगी हमारे वायुमंडल में एक ही है और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है आपके बल्ब में और ट्यूबलाइट के अंदर भरने में किया जाता है समझदार के लिए इशारा काफी है और यह कौन सा होगा ऑर्गन भैया यदि ऑर्गन इसमें ज्यादा ना होता तो ये कैसे हो पाता ये भैया मान लो हीलियम, हीलियम, नियॉन ही होते तो भैया हम ऑर्गन कहाँ से भरते बल्बों में तो ये कह सकते हैं कि जो ऑर्गन है ये हमारे वायुमंडल में अधिक मात्रा में पाई जाती है सारे अक्रिय गैसों में इसलिए इसका उपयोग हम और जगह भी कर सकते हैं जैसे विद्युत के बल्ब में भी ऑर्गन गैस भरी जाती है जिससे वो गर्म ना हो ठीक है ना आइए आतिशबाजी का प्रदर्शन दिखाने वाले हरा रंग कौन से क्लोराइड या लवण का बना होता है बेटा ये थोड़ा सा क्वेश्चन तो हम देख लेना कि यदि बात की जाए कि भाई कौन सा आतिशबाजी में देखा था क्या रंग देने वाले जो केमिकल या रसायन है इनके नाम जैसे भी थोड़ा सा देख लेना क्योंकि क्वेश्चन आते हैं तो जी में यदि बात की जाए ग्रीन कलर जो देते हैं कौन सा देते हैं ये आपके कह सकते हैं कौन सा ग्रीन कलर जो देंगे यह होगा आपका बेरियम सॉल्ट ठीक है ना और यदि बात की जाए इसी में रेड या लाल तो स्टोनशियम के जो सॉल्ट होते हैं यह क्या होते हैं स्टोनसियम जो मेटल है इसके जितने भी सॉल्ट है ये कैसा रंग देंगे ये आपके लाल रंग देंगे ठीक है ना और यदि बात की जाए जैसे मैग्नीशियम और एल्युमिनियम के सॉरी मैग्नीशियम और यदि बात की जाए किसके एल्यूमिनियम के जो भी लवण है ये कैसा रंग देंगे सफेद रंग देंगे ठीक है ना और जो पीला रंग है इसमें से यदि बात की जाए तो कौन सा होगा सिंपल सी बात है ये कौन से देंगे ये पीला रंग देगा कौन सोडियम ठीक है ना तो सोडियम कैसा पीला रंग देगा और ये कैल्शियम कैसा रंग देगा ये नारंगी रंग देगा यह थोड़ा सा याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन अक्सर यह पूछे जाते हैं कि आतिशबाजी में लाल और हरा रंग मान लो कई भी लाल या हरे रंग के अलावा तुमसे पूछ दिया पीला रंग कौन देगा तो भैया तैयार रहो ना भाई क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आपके आते हैं ठीक है चलो ठीक है भाई थके तो नहीं और भैया सांतनु सबको चाय पिला तो भाई डिजिटल ठीक है तो भैया अंकुश से ये भैया अंकुश और ये शांतनु सबको चाय पिलाए भाई हाँ कैल्शियम के वजह से नारंगी रंग ठीक है ना चले आकृति सकते ना वेरी गुड मॉर्निंग आप क्वेश्चन पे सभी फोकस हो पीतल बना होता बेटा पीतल किससे बना होता कुछ नहीं सोचना यहां पे कह सकते कॉपर और कह सकते हैं क्या जस्ते से बना होता है तो तांबा और जस्ता इसमें सोचने की जरूरत नहीं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर ऐसी छोड़ो ठीक है ना और एक साथ एक बार क्या कीजिए सभी लोग सेशन को लाइक और शेयर भी करते जाइए तेईस फेसबुक इंस्टाग्राम व्हाट्सएप सब जगह शेयर मार दीजिए स्टेटस पे अपने हर जगह निम्नलिखित में से कौन से धातु अन्य धातुओं के साथ अमलगम बनाती है में से कौन सी धातु है जो बाकी धातुओं के साथ अमलगम नामक मिश्र धातु बनाती है इसमें कुछ मत सोचिए इसमें होगा एच जी या कह सकते हैं पारा पारा एक धातु है जो बाकी धातुओं के साथ अमलगम बनाती है बाकी अमलगम और कोई धातु बनाती ही नहीं है तो यह क्या होगा ट्वेंटी फाइव का सी ट्वेंटी फाइव का देख लो भाई सी मरकरी जो है ये क्या ये क्या बनाती है हाँ भैया जय माता दी चलो भाई फूलचंद्र जी आखिरी दिन नहीं है मैंने छोड़ने वाला भैया मेरे तो सेशन चलते रहेंगे क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस सेशन मेरे जारी रहेंगे आप चिंता ना कीजिए जल के शुद्धिकरण में चारकोल के प्रयोग के रूप में किया जाता है मतलब जल जैसे मान लीजिए आपके घर में प्यूरिफायर लगाए तो उसमें प्यूरिफायर में एक बात बात की जाती किसकी चारकोल की एक लेयर या खत्म हो गई थी ये भी हार जाता है सुबह सुबह तो देखो भाई यदि बात की जाए हमारे घरों में क्या चारकोल की एक लेयर या परत का उपयोग किया जाता है जल के शोधन में और ये चारकोल क्या करता है कि जो भी जल में अशुद्धियां है अपने ऊपर क्या करता है सिंपल सी बात है जो चारकोल है जितनी भी अशुद्धियां हैं चारकोल जितनी भी अशुद्धियां अपने ऊपर क्या कर लेता है ये अधिशोषित कर लेता है अधिशोषित मतलब कभी भी अपने अंदर नहीं जाने देता है। तो जब कोई पदार्थ किसी चीज के सतह पे क्या हो जाए जाए जुड़ या चिपक जाए वो प्रक्रिया क्या कहलाती है वो सिर्फ किसी मतलब जब कोई पदार्थ किसी पदार्थ के सिर्फ ऊपर ही ऊपर अशोषित हो उसके अंदर ना जा सके या उसके साथ अभिक्रिया करके अंदर ना जाए तब ये प्रक्रिया कहलाती है एड क्या कहलाती है एड जॉबसन या इसे हिंदी में कहते अधिशोषण इसे हिंदी में क्या कहेंगे अधिशोषण कहते हैं ठीक है ना और जो पदार्थ अधिशोषण की प्रक्रिया में भाग लेते हैं उसे बोलते हैं एड या कह सकते हैं अधिशोषक तो ये क्या होगा चारकोल जल के शुद्धिकरण में सिर्फ अपनी पे ही क्या करता है और शुद्धियों को रखता है अपने अंदर नहीं जाने देता तो यहां पे 26 का डी अगला वायु के संपर्क में आने पर चूने का पानी का रंग दुधिया हो जाता है इसका मुख्य कारण इनमें से कौन सी गैस है जिसके वजह से देखा था चूने का पानी उसके संपर्क में आने पर क्या होता है सिंपल सी बात है चूने का पानी दुधिया हो जाता है कुछ नहीं ये अवक्रिया है कैल्सियम हाइड्रोक्साइड इसे कहते हैं क्या बोलते हैं बुझा चूना बोलते हैं बुझा चूना पे जब अब क्रिया होगी किससे कार्बन डाइऑक्साइड की तो बनेगा क्या कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और ये कैल्सियम कार्बोनेट की या उपस्थिति के वजह से ये क्या हो जाएगा सिंपल से बात है चूने का पानी दुधिया हो जाएगा ठीक है ना तो ये चीज है तो यहां पे कौन सा होगा कार्बन डाइऑक्साइड 27 का ये अगला कृत्रिम वर्षा और मेघ विजन में क्लाउड या, या, सीडिंग के लिए प्रयुक्त तरल रसायन इनमें से किसका उपयोग कर सकते हैं क्या कृत्रिम वर्षा के लिए किया जाता है और वो रसायन क्या करता है वायुमंडल से नमी को अवशोषित करता है और पानी की बूथ में धरती पे गिरेगा तो भैया इसके लिए कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है इसका बस आंसर होगा सिल्वर आयोडाइड तो देखो याद करने का तरीका आयोडीन का सब सफेद होता है सिल्वर भी कैसा सफेद ठीक है ना और जो बादल होता है ये क्या जो बादल होता है ये भी क्या हो जाएगा ये भी सफेद होता है तो बस सिल्वर आयोडाइड याद रख लेना टेंशन ही ना लो ठीक है सब सफेद सफेद अगला बिकॉन लाइट वाहनों के ऊपर प्रयोग की जाने वाली सारन लाइट में प्रयुक्त किया जाता है ठीक है यह बिकॉन लाइट आखिर बनती किससे क्वेश्चन नंबर यदि बात की जाए ट्वेंटी नाइन जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए तो जो बिकॉन लाइट है इनमें से किस उसमें किस मदद कर सकते गैस का प्रयोग होगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन तो बेटा यदि बात की जाए दूर तक यदि कोई लाइट दिखाई दे ठीक है ना उसके लिए एक अक्री गैस का उपयोग करते हैं और वो अक्री गैस कोई और नहीं है बल्कि ये कौन सी है न्योन जितने भी आपके कह सकते होर्डिंग्स पे वो जो प्रचार करने वाले होर्डिंग्स लगे होते हैं जिसमें चमचमाती लाइट दूर से दिखाई देती है उनमें जो बल्ब होते उसमें कौन सी गैस भरी होती है न्योन लाइट न्यून गैस भरी जाती है <coughs> अगला सफेद फास्फोरस को कहा रखा जाता है तो सफेद फास्फोरस इतना अब होता है यदि उसको वायु में रख दो तो यह धू धू करके जल उठेगा इसलिए इसको कहां रखेंगे ठंडे पानी में रखेंगे भैया कि ठंड रखो ठंड ठीक है चलो <coughs> सोडियम को कहां रखा जाता है तो सोडियम को यदि बात की जाए मिट्टी के तेल में क्योंकि आज ही मैंने यह आंसर भी बताया ठीक <coughs> है निम्नलिखित में से किसे निश्चेतक के रूप में प्रयोग किया जाता है इनमें से कौन से एनस्थेटिक के रूप में प्रयोग किया जाएगा यह मैंने कल ही बताया था क्वेश्चन नंबर थर्टी टू थर्टी टू की यदि बात की जाती है यहां पे क्या हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड तो यह नाइट्रस जो ऑक्साइड है ये कह सकते हैं क्या थर्टी टू का डी ये बिल्कुल सही होगा ठीक है ना थर्टी टू का क्या होगा सिंपल सी बात है डी ऑप्शन बिल्कुल सही ठीक है तो चलो <coughs> Terima <coughs> kasih. Terima kasih telah <laughs> menonton!

se pero se bora Sampai jumpa di video selanjutnya. बट आज जो भी बैटरी पे बैटरी खत्म होती जा रही है पता नहीं क्या है बैटरी थक गई है लग रहा है तो भैया बैटरी पे बैटरी आज खत्म होती यार ये या तीसरी बैटरी चेंज करनी पड़ रही है पता नहीं यार बैटरी कहा जा रही है अब मेरे अंदर तो पावर आ नहीं रही बैटरी के तुम भी जानते हो हैं तो यार आज बैटरी पे बैटरी खत्म हो रही है पता नहीं क्या हो गए अब आ रही होगी अब आवाज भाई आ गई ना आवाज तो पता नहीं बैटरी मुझसे नाराज क्यों है भैया डिस्चार्ज हो जा रही गुस्सा के तो यहां पर यदि बात की जाए पुराने तल चित्रों जो भी ऑयल पेंटिंग के uh, किसके बने होने के कारण काला हो जाता है तो जो पुराने तैल बात की जाए तो उसमें क्या होते हैं उसमें लेड सल्फाइड ठीक है में ना पुराने तेल चित्र देखा था क्या काला हो जाता है क्योंकि लेड सल्फाइड की उसके ऊपर परत बन जाती है किसकी लेड सल्फाइड तो पुराने तेल चित्रों पर लेड सल्फाइड की क्या होती है सिंपल सी si बात है. परत बन जाती है और इसको साफ करने के लिए एस टू ओ टू जिसे बोलते हैं हम क्या हाइड्रोजन पारोक्साइड तो बात कीजिए हाइड्रोजन एक कर सकते लिक्विड है जिसका उपयोग पुराने तेल चित्रों को साफ करने के लिए उपयोग में लाया जाता है भूलना नहीं साथियों अगर यदि बंदूक की गोली लगने से हुए घाव से गोली न निकाली जा सके सके तो शरीर में विषाक्त विषाक्तता हो जाती है मतलब पॉइजन या जहर इनमें से किसका फैल जाता है तो इसका सबसे परफेक्ट आंसर होगा यह क्या होता है क्या हो ये बात की जाए यहां पर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा लेड या कह सकते हैं क्या सीसा तो जो कह सकते हैं बुलेट या गोली होती है इसमें क्या होता है ये आपका लेड या सीसा होता है और उसके वजह से क्या होगा प्लम्बिजम या सीसे का विषाक्त प्रभाव होगा शरीर में और इसके वजह से क्या होगी आरबीसी आपकी फटने शुरू हो जाएंगे और आरबीसी फटने के वजह से शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई कम होता जाएगा ठीक है ना मर जाएगा इसलिए अगला क्वेश्चन 18 कैरेट सोने में सोने कितने प्रतिशत शुद्ध सोना होगा इस तरह के क्वेश्चन तो भाई पूछे जाते हैं तो जल्दी से भाई एक काम करिए सेशन को लाइक और शेयर भी कर दीजिए और जो लोग ये सोचे भैया अब भैया सेशन खत्म हो गया तो उनको कह दीजिए सेशन अभी चल रहा है और चलेगा ठीक है अब वॉइस क्लियर है सब क्लियर है तो कुछ ना करो एटीन बाई ट्वेंटी फोर कर दो क्योंकि शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है और 18 कैरेट का पूछा जा रहा है सौ से क्या कर दीजिए जो भी गुणा कर दीजिए तो इसमें क्या आ जाएगा इसको भाई किससे आठ से वो किससे डिवाइड कर दो दो से कर दो या जैसे भी <coughs> बताओ तो ये दो से कर दिया कितना हो गया नाइन हो गया नीचे दि बात की जाए कितना हो गया ट्वेल्व हो गया अब इसको तीन से जो भी गुणा कर दो सिंबल्स ये ऐसे हो गया अब काट दो तो कितना हो गया पच्चीस या पचहत्तर तो अठारह कैरेट सोने में पचहत्तर प्रतिशत क्या है? सिर्फ गोल्ड होगा थर्टी सेवन सी अगला इनमें से निम्न में से किसी आंसू गैस का अवय कहते हैं इनमें से कौन सा है जो यदि बात की जाए कि आंसू गैस का एक अवय है या कंपोनेंट है किसका आंसू गैस का ठीक है ना इसमें लास्ट ऑप्शन यदि बात की जाए थोड़ा सा चेंज होगा यहां पे होना चाहिए भाई क्लोरो पिक्रीन तो ये क्लोरो पिक्रीन क्लोरोन बात की जा, कर सकते क्या होगा आंसू गैस का कंपोनेंट या अवैध होगा ना अगला यदि बात की जाए निम्न में से किससे मार्स गैस कहते तो भैया मार्स गैस ये तुम्हें पता है निम्न में से बात की जाए तो किसको सी एच फोर होगा जिसे कहते हैं मीथेन मीथेन को तो मार्स गैस या कह सकते हैं दलदली गैस भी कहते हैं और कोयले की खान में विस्फोट का मेन कारण भी कौन सा होता है यही गैस होगी अगला बात की जाए सरकरा के किड़वन के दौरान बनने वाला योगी सरकरा मतलब कह सकते मान लीजिए जैसे कि किड़वन होगा तीन में से क्या होगा यह मान लीजिए सी सिक्स ट्वेल्व ओ सिक्स प्रेजेंट है फर्मेंटेशन कराया जाएगा तो क्या बनेगा दो चीजें बनेंगी एक तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और दूसरा सी टू एच फाइव एथिल अल्कोहल तो सरकार के से क्या होगा एथिल और इस एथिल अल्कोहल का उपयोग का वाइन या शराब बनाने में करेंगे ठीक है ना चलिए अब ये देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फाइबर का प्रयोग बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में करते हैं और यह मैंने कल ही या परसों में यह बताया भी था यदि आपने मेरी बातें सुनी होंगी तो नहीं सुना था क्वेश्चन नंबर फोर्टीन तो बेटा देखो बुलेट प्रूफ जो भी जैकेट बनाने में एक कर सकते हैं क्या फाइबर का प्रयोग किया था वो फाइबर बहुत ही स्टेबल है स्ट्रांग है जिससे बुलेट आगे नहीं जा पाती और वो कोई और नहीं है इसका सॉरी उसका नाम यदि बात की जाए तो यह है ये केवलर यह केवलर ठीक है ना तो फोर्टी का क्या हो जाएगा सी ऑप्शन ठीक है बी नहीं होगा सी होगा केवलर अगला निम्न में से किस फाइबर का प्रयोग ब्रश बनाने के लिए किया जाता है जो ब्रश आप करते हो भैया उसमें जो फाइबर है इनमें से किसके बने होते क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन तो बेटा ये जो ब्रश आपके ब्रश में जो रेसे लगे होते हैं ये नाइलॉन आपके सिक्सटी सिक्स के बने होते हैं ठीक है चलो चले आगे चलिए फिर अगला किस उद्योग में पोटेशियम नाइट्रोट को वाणिज्यिक रूप से प्रयोग किया जाता है मैंने से इनमें से कौन सा यू मतलब उद्योग है जहां पोटेशियम नाइट्रोट नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है कमर्शियल या व्यवसायिक स्तर पे। जल्दी से बता दिए क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू और भैया जिस उद्योग में किया जाता है उसका समय आ चुका है इस इशारे में तुम्हें बता देता हूं उसका समय आ चुका है अब कौन सा उद्योग है सारे में काफी है अभी भी नहीं समझे बुद्धू हो तुम लोग उस उद्योग का नाम है पटाखा उद्योग फायर क्रेकर जो भी इंडस्ट्रीज है ये मैंने बताया पर तुमने ध्यान नहीं दिया निम्न निम में से किस फाइबर को सबसे मजबूत प्राकृतिक फाइबर कहा जाता है यह मैं पहले भी बता चुका हूं कपास जूट ऊन सिल्क क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री निम्न निम में से किसको सबसे मजबूत नेचुरल फाइबर इससे पहले भी बता चुका था और बात की है है सिल्क जो होता है, वो क्या होता है वो भी बहुत मजबूत होता है पर हम नेचुरल की या प्राकृतिक जो भी कह सकते हैं फाइबर सिल्क की बात की जा रही है तो यहां पे क्या होगा डी पर यदि पूछा जाए कि आर्टिफिशियल सिल्क कौन होता है जो बहुत मजबूत होता है उसका नाम रेयन याद रखना ये क्वेश्चन भी पूछे गए हैं अगला यदि बात की जाए जिंक फास्फाइड को सामान्य प्रयोग किया जाता है, किस किया है किया तो जो जिंक फास्फाइड है इनमें किसका किसमें प्रयोग किया जाएगा इसका फार्मूला है जेडन पी किसमें प्रयोग किया जाएगा तो जिंक फास्फाइड जो रोडेंटो साइड होते हैं या नाशक

ठीक है ना जैसे मान लीजिए खरगोश है खरगोश भी कुछ ना कुछ भैया काटता रहेगा ना काटे तो भैया क्या हो जाएगा मर जाएगा उसके भी तो वो भी रोडेंटो साइड में अभी आता है ठीक है ना तो फोर्टी फोर का सी चले और सुनो भैया जिनको भैया पीडीएफ पीडीएफ कर रहे हैं कल्पना चाहर ये बता दू आज का सेशन दो घंटे का अभी खत्म नहीं हुआ सेशन ये सेशन आपके चलेगा कल भी चलेगा यदि बात की जाए तो यह सेशन अब छह से आठ का है छह से आठ सात नहीं है ठीक है ना निम्न में से किस गैस का प्रयोग जीवाणु नाशक के रूप में किया जाता है भैया इसमें से एक ही गैस है जब तुम हॉस्पिटल में जाओगे तो कभी कभी आंखों में बहुत तेज कुछ मतलब लगता है और वो लगता है कि कौन सी गैस है वो गैस होगी आपकी क्लोरीन और क्लोरीन गैस को पानी में भी प्रभावित करने से जितने भी जीवाणु हैं मर जाते हैं तो यह क्या हो जाएगा

नहीं है, तो वो शरीर से बाहर निकल गया अब शरीर से बाहर निकल गया तो फिर उस वही मल पदार्थ जो त्यागा था फिर उसी को खाएगा तो भैया खरगोश जितना प्यारा होता है उतना ही गंदा होता है है, है ठीक है ना आ जाओ <coughs> अब भैया जिसको किस करना हो खरगोश को कर सकता है मैं तो कुछ ना रहा हूं। ठीक है अगला पदार्थ जिसका उपयोग खाद्य पदार्थ के परीक्षण में किया जाता है ठीक है भैया मुझे नहीं पता अल्फता अलफतमा चौधरी जी ठीक है ना हाँ हाँ चलो आओ भाई अगला पदार्थ जिसका उपयोग खाद्य पदार्थ के परिरक्षण में किया जाता है इनमें से कौन सा पदार्थ है जो कह सकते खाद्य पदार्थ या खाने वाले जो भी पदार्थ हैं उनको क्या करने में मतलब उसको खराब होने से बचाने में किया जाता है तो इसके कौन सा हो सकता है क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स का यदि बात की जाए यह क्या हो जाएगा बेंजोइक अम्ल के सोडियम लवण या कर सकते हो सोडियम बेंजोइट किसका तो सोडियम और देखा था क्या बेंजोइक एसिड की जो भी अवक्रिया करा दी तो इससे क्या बनेगा सिंपल सी बात है सोडियम बेंजोइट नाम का सॉल्ट या लवण बनेगा जो खाने को खराब होने से बचाता है अब देखो भैया इसका क्या होगा जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर देखिए <coughs> तो देखो मैं बता देता हूं बेटा इस बार सोचने वाली परेशान होने वाली जरूरत नहीं है चलो थोड़ा छोटा कर दो ये क्वेश्चन कर लिया तो भैया लाइफ हो गई झिंगा लाला एकदम मस्त देखो भाई यदि बात की जाए पेनिसिलिन जो आता है उससे शुरुआत करते हैं जो तुमने जानते हो पेनिसिलिन किसमें में जीवाणु नाशक ये हो गया फोर्थ इसके बाद बात कीजा, यूरिया क्या है ये उर्वरक है ठीक है ना तो ये कह सकते हैं क्या हो गया पेनिसिलिन थर्ड का बी का फोर हो गया सी का क्या हो गया वन हो गया और यदि बात की जाए जो कार्पर सल्फेट है ये फफूदी नाशक ए का क्या हो जाएगा ए की यदि बात की जाए तो यहां पे क्या हो जाएगा थर्ड हो गया तो बचा क्या आप कुछ बचा ही नहीं तो देख लो थ्री फोर वन कोई है क्या ऑप्शन एक मिनट एक मिनट रुक जाओ थोड़ा गड़बड़ हो रहा है कहीं ऊपर से ही चलते हैं एक ही बात की जाए कॉपर सल्फेट फफूदी नाशक के रूप में जो भी उपयोग किया जाएगा ठीक है ना इसका पेंसिलियम यदि बात की जाए जीवाणु नाशक ठीक है इसके बाद यदि बात की जाए यूरिया क्या हो गया उर्वरक ए का हो गया तुम्हारा थ्री बी का फोर सी का वन ठीक है ना और मैराथियॉन यदि बात की जाए तो यहां पे किसमें होगा यह सिंपल सी बात है नाशक ये कर सकते हैं क्या टू इसमें कोई ऑप्शन मैच कर रहे हैं नहीं अच्छा यदि बात की जाए एक मिनट यहां पे लग रहा कुछ चीजें थोड़ी सी चेंज हुई हैं। मेलेथियोन आपके देखो भाई कीटनाशक किया जो भी इसके रूप में किया जाता है बेटा पर यही यदि बात की जाए तो सबसे परफेक्ट आंसर होगा पर यहां पे देखो भाई इन्होंने क्या किया है थोड़ा आंसर चेंज करके ये बी ऑप्शन को ही सही बताएंगे ठीक है ना क्यों क्योंकि इन्होंने देखो दिमाग क्या लगा कॉपर सल्फेट को वही कीटाणु नाशक जबकि कॉपर सल्फेट जो होता है फफूदी को नाश करने वाला यदि मान लो दो हो गया तो ये सही हो गया चार दो इसके बाद बी का चार सही हो गया यूरिया एक हो गया और मेलाथियॉन ये आपका क्या हो गया ये कह रहे कि भाई फफूदी नाशक वो गलत है बेटा ठीक है ना तो यहां पे थ्री फोर वन टू होगा इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है सॉरी वो टाइपिंग मिस्टेक हो गई अगला एक परमाणु नाभिक की खोज की भैया यदि बात की जब परमाणु नाभिक की खोज किसने किया तो साइंटिस्ट का नाम था रदर फोर्ड ठीक है ना तो इसी के साथ एक घंटे में फोर्टी नाइन फोर्टी एट क्वेश्चन हुए थोड़ी बैटरी डिस्टर्ब नहीं होती एक घंटे में पचास क्वेश्चन आपके करवा देता अगला निम्न में से किसकी सहायता से पुरानी सामग्री जिसे आसानी से पढ़ा नहीं जा सकता उसको पढ़ना संभव होता है क्वेश्चन नंबर ठीक है ना क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन इनमें से कौन सी चीजें जो आसानी से पढ़ना संभव नहीं हो सकता पर उसकी सहायता से संभव होगा तो देखो भाई ऐसी कर सकते दस्तावेज जिनको पढ़ना आपका संभव नहीं है किसी भी तरीके से ठीक है या कोई भी पुरानी सामग्री ठीक है ना तो उसको क्या करने के लिए हम देखने के लिए जानने के लिए एक्सरे का उपयोग करेंगे अगला कहा जा रहा है कि जब उच्च परमाणु भार के किसी टारगेट या कह सकते हैं लक्ष्य से क्या होती है कैथोड किरण टकराएगी तो क्या होगा एक जो भी रेज या रेज उत्पन्न होगी कौन सी होगी भाई ये तो मैं पढ़ा चुका हूं मुझे लग रहा यदि मान लीजिए ये कह सकते हैं एक धातु है मौली मौली से यदि टकराएगा लो भाई संजू काजला भी आए बच्चे हमारे यदि तो यहां पे कौन सी रेज उत्पन्न होगी ये पहले भी बता चुका हूं ये कौन सी हो जाएगी फिफ्टी का सी एक्स किरण उत्पन्न होगा ठीक है ना चले आ जाओ अगले की तरफ यह भी करा चुका हूं जे जे थॉमसन ने एक मॉडल प्रस्तावित किया था जिसे आमतौर पर क्या कहा जाता है तो उस मॉडल को कहा जाता है प्लम पुडिंग मॉडल हलवा किसमिस मॉडल कहा जाता है और तरबूज मॉडल भी कहा जाता है वाटरमेलन फिफ्टी वन का बी ठीक है अब देखो भाई ये मैच करा लो ये जल्दी से मैच कराओ तो भैया कुछ सोचने की जरूरत नहीं है इसमें चलो मैच कराते हैं जे जे थॉमसन का जो मॉडल है प्लम पुडिंग मॉडल ए का क्या हो गया थ्री हो गया रदरफोर्ड का जो मॉडल है यह कह सकते हैं नाभिकीय व्याख्या करता है यह बी का यदि बात की जाए टू और बोहर जो मॉडल है यह कह सकते हैं क्या यह इलेक्ट्रॉन की द्वैत प्रकृति को दर्शाएगा सी का यदि बात की जाए वन और डी ब्रोगली ने बात की जाए कि क्या एक मिनट एक मिनट एक मिनट सॉरी क्वेश्चन नंबर यदि बात की जाए फिफ्टी टू ठीक है ना यहां थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यदि बात की जाए प्लम पुडिंग मॉडल डी ब्रोगली का यदि बात की जाए तो ये क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की द्वैत प्रकृति हो जाएगा ठीक है ना तो इसमें डी का क्या हो जाएगा वन हो जाएगा ब्रदर फोर्ड ने किसकी खोज की भाई नाभिक की तो ये बी का क्या हो जाएगा टू हो जाएगा बोहर्स मॉडल ये कर सकते हैं क्या क्वांटम ऊर्जा की परिकल्पना करता है यह सी का यदि बात की जाए फोर थ्री वन टू फोर तो यहां पर थ्री वन ये कौन सा होगा यह देखो भाई चौथा ऑप्शन इसमें चार ऑप्शन है ही नहीं कोई बात नहीं आप याद रखिए कि क्या यह थ्री फोर थ्री वन टू फोर ठीक है ना बाकी ए बी के बाद अगले ऑप्शन यदि बात की जाए शायद नेक्स्ट पेज पे होगा नहीं नेक्स्ट पेज पे भी नहीं है तो यहां पे जो सबसे सही आंसर होगा थ्री वन टू फोर ठीक है ना चलिए फिर गलत तो नहीं हुआ ये भैया सही है अब टाइपिंग में यार ये क्या कर रहे हम समझ नहीं पा रहे हैं। अब थोड़ा सा क्या कहें तो देखो भाई यहां पे यदि बात की जाए तो क्या जेदे थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल रदरफोर्ड ने नाभिक के व्याख्या की बोर्स मॉडल ने क्वांटम ऊर्जा परिकल्पना और डीप्रॉगिल ने इलेक्ट्रॉन की द्वैत प्रकृति को जो भी क्या परिभाषित किया था तो यहां पे क्या होगा थ्री वन टू फोर चलो अब क्या किया जब भाई गलतियां मानवीय हैं अब इन छोटी छोटी गलतियों के लिए भाई डांटेंगे तो कल के दिन टाइप ही नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा क्वेश्चन नंबर यदि बात की जाए फिफ्टी थ्री निम्न निम्न में से कौन सा क्रम विकरणों की बढ़ती हुई क्रम का विकरणों की बढ़ती हुई तरंग का सही क्रम होगा क्वेश्चन नंबर आपके यदि बात की जाए तो कौन सा फिफ्टी थ्री इन में से विकर्ण के दर्द का बढ़ता हुआ जो क्रम होगा यह कोई और नहीं ये है बल्कि कह सकते हैं क्या फिफ्टी थ्री का यहां पे कौन सा हो जाएगा फिफ्टी थ्री का यह आपका बी ऑप्शन सबसे परफेक्ट होगा ठीक है ना चले आओ चलो अगला यदि बात की जाए बोहर मॉडल व्याख्या करता है जो बोहर्स का मॉडल है यह किससे क्या मतलब जो भी है यह व्याख्या करेगा जल्दी से बता दीजिए जो बोहर्स का मॉडल है यह किस चीज की व्याख्या करेगा हाइड्रोजन के एक अड़ु की किसी भी परमाणु या आयन की जो कि केवल एक इलेक्ट्रॉन धारक हो क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फोर और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सोलर स्पेक्ट्रम ठीक है ना तो बोहर्स मॉडल यदि बात की जाए कि जो क्या होता है ये किसी भी परमाणु या आयन जो एक इलेक्ट्रॉन धारक है उसकी व्याख्या करेगा साथ में किसी भी कर सकते कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते या कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते क्या बोहर्स के मॉडल से क्लियर हुआ तो यह क्वेश्चन फिफ्टी का कह सकते हैं क्या होगा फिफ्टी फोर की यदि बात की जाए तो बी ऑप्शन होगा अगला यूरेनियम का वह समस्थानिक जो परमाणु रिएक्टर में प्रयोग किया जाता है यूरेनियम 235, 236, 237, दो सौ बताइए यूरेनियम का कौन सा और या कह सकते हैं समस्थानिक आपके किसमें परमाणु जो भी रिएक्टर में इसका प्रयोग किया जाएगा तो ये सबसे परफेक्ट आंसर होगा 55 का ए 235 ठीक है और यदि मान लीजिए 235 नहीं है हमारे पास पर्याप्त तो हम क्या करेंगे यूरेनियम के बाकी जो समस्थानिक हैं उनको मिला के इसका क्या किया जाएगा उपयोग किया जाएगा अगला यदि बात की जाए कि किसी भी कह सकते।, सकते हैं न्यूक्लियस या कह सकते हैं न्यूक्लियस या नाभिक के अस्थिरता का कारण इनमें से कौन सा अनुपात दर्शाता है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सिक्स किसी भी कह सकते परमाणु के स्थायित्व या अस्थिरता इनमें से किसके अनुपात के द्वारा पता चलता है तो ये बेटा इसका सबसे सही आंसर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन यदि बात की जाए न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो अनुपात यदि एक आएगा तो वो स्टेबल होगा एक से यदि बढ़ रहा है भाई तेईस से तो समझ जाइए वो अस्थायी होगा जैसे यदि बात की जाए किसमें आपके किसमें जैसे मान लीजिए बानवे यूरेनियम 235 बानवे यूरेनियम दो सौ पैंतीस में यदि बात की जाए तो कितने न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे वन फोर्टी थ्री तो यहां पे देखो वन फोर्टी थ्री बाई क्या करोगे कर? 92 टू हमेशा अनुपात क्या होगा एक से ज्यादा ही आ रहा है इसलिए यूरेनियम क्या है अस्थाई है फिफ्टी सिक्स का बी ठीक है चले तो चलो अगला सूर्य की अत्यधिक ऊर्जा की स्रोत क्या है की जो अत्यधिक ऊर्जा है बेटा इसका स्रोत क्या हो सकता है पीडीएफ मिल जाएगी आपके जो भी टेलीग्राम चैनल पे दो जो भी आपके कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल है जैसे परीक्षागढ़ एग्जामपुर का जो मेन चैनल है उसका परीक्षागढ़ हो गया और एक टीचिंग का हो गया टीचिंग इजामपुर टीचिंग ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ठीक है ना ठीक है ना यदि बात की जाए सूर्य की अत्यधिक ऊर्जा का स्रोत क्या है तो बेटा यदि बात की जाए ये रुको 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 सॉरी ये हो गया आपका सूर्य सूर्य के अंदर क्या होता है हाइड्रोजन के दो आइसोटोप वन एच टू वन एच थ्री इनकी अभिक्रिया होगी जिससे बनेगा टू एच ई फोर ठीक है ना हीलियम बनेगा और साथ में क्या होगा न्यूट्रॉन बनेगा बहुत अधिक ऊर्जा होगी उत्पन्न होगी तो ये कह सकते हैं ड्यूट्रियम और ट्राइटियम का संलयन से ये क्या होगा सिंपल सी बात है हीलियम के नाभिक के बनाने के लिए हाइड्रोजन नाभिकों का सेल इसमें की जाए तो यहाँ पे 57 का बी और सी दोनों ऑप्शन सही होगा ठीक है ना तो 57 सेवन की यदि बात की जाए बी और सी दोनों ऑप्शन सही क्यों क्योंकि भाई देखो ये ड्यूटियम हो गया या टाइटियम तो ये कह सकते हैं क्या ड्यूटियम और टाइटियम का सेल ये भी बात सही है और हीलियम नाभिक बनाने के लिए हाइड्रोजन के नाभिकों का सल्य तो जब ड्यूटियम टाइटियम मिले तो यहां पे क्या बन गया टू एच ई बना तो बी और सी दोनों सही होगा अगला परमाणु रिएक्टर में नियंत्रक छड़े किस मतलब तो के रूप में किसका उपयोग होता है तो यदि बात की जाए नियंत्रक छड़ों के रूप में यदि बात की जाए इसका बोरान और स्टील के छड़ का उपयोग किया जाता है नियंत्रक क्षण क्या होती है कि जो अतिरिक्त यदि बात की जाए क्या जो भी न्यूट्रॉन को अवशोषित ये करती है जैसे मान लो न्यूक्लियर एक्टर अनकंट्रोल हो रहा है तो ये क्या करेंगे जो न्यूट्रॉन है उनको अवशोषित कर लेंगे जिससे क्या हो जाएगा सिंपल सी बात है आगे न्यूट्रॉन किससे यूरेनियम से टकराएंगे नहीं और अब क्रिया क्या होगी रुक जाएगी ठीक है ना तो ये बोरॉन स्टील के जो रॉड है ये क्या करेंगे सिंपल सी बात है अतिरिक्त तो न्यूट्रॉनों को अवशोषित कर लेंगे जिससे अब क्रिया क्या हो जाएगी संतुलित हो जाएगी अगला बात की जाए के रासायनिक नाम तो सिरके के रासायनिक नाम क्या होता है यह देखो भाई कह सकते फार्मूला लिख दिया सी एस एच यह किसका एस्ट्रिक अम्ल का तो यहां फिफ्टी नाइन की बात की जाए क्या होगा यह बी ऑप्शन होगा बेटा दिलीप प्रजापति ब्लॉक हो जाओगे भाई जब मैंने एक बार बता दिया एक ही बार क्वेश्चन यार बार बार कॉपी पेस्ट किए जा रहे हो जब बता दिया कि भाई जो भी आपके पीडीएफ है वो देखा था कहा मिलेंगे एक तो देखो भाई परीक्षा गढ़ पे देख लो ठीक है ना जो परीक्षा गढ़ टेलीग्राम चैनल दूसरा है टीचिंग स्कूल ऑफिशियल टेलीग्राम इन दो पेमेंट से मिल जाएंगे भाई दस बार एक ही कमेंट कॉपी पेस्ट गलत बात है ये बेटा बच्चे बाकी लोग इरिटेट होते हैं और मैंने जब सेशन ये स्टार्ट किया था सुपर टेट के लिए जो भी क्लासेस के तब भी बोला था कि बेटा टीचिंग एग्जामपुर टीचिंग स्कूल ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल क्या कर लीजिए लाइक और शेयर कर लीजिए अपने दोस्तों में भी और खुद उस चैनल पर जुड़ जाइए जिससे आपको मिल सके तो उस समय आप लोग बातें करते हो सुनते नहीं हो भाई आओ नहीं चलो अंकुश ब्लॉक नहीं करेंगे अंतिम दिन चलना अच्छा नहीं लगता पर यह भी अच्छा नहीं लगता बार बार आप एक ही कॉपी पेस्ट करो ठीक है लेड बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल कौन सा है तो बेटा यदि बात की जाए कि लेड बैटरी में यह क्या होता है जो अम्ल का प्रयोग होता है वो कौन सा होगा सल्फ्यूरिक अम्ल जिसका फार्मूला यदि बात की जाए तो ये S2SO4. ये याद रख लीजिएगा दूसरी यदि कभी पूछा जाए कि आपके कार में या ट्रकों में जो बैटरी उपयोग में लाई जाती है उनमें भी कौन सा अम्ल होता है तो उसमें भी जो अम्ल होगा वो कौन सा होगा सल्फ्यूरिक एसिड ही होगा कौन सा एसिड सल्फ्यूरिक एसिड होगा ठीक है तो कार और ट्रक की बैटरी में भी यही होता है और लेड बैटरी में भी सल्फ्यूरिक अगला लोहे में जंग लगने के लिए निम्न कारक उत्तरदायी है मतलब यदि बात की जाए कि लोहे में जंग लगने के लिए क्या चीजों की आवश्यकता होगी तो देखो बेटा जल्दी से इसका आंसर क्या होना चाहिए सिंपल सी बात है ये ऑक्सीजन और जलवाष्प या यहां पे ये यह हो सकता है जलवाष्प के जग, जगह हो सकता है नमी भी दिया जा सके तो ऑक्सीजन और कर सकते हैं नमी या जलवाष्प की उपस्थिति में जंग लगेगा किस पे लोहे पे 61 का डी और समय कितना हो गया भैया कुल मिला के हो गया सेवेंटी मिनट चौहत्तर मिनट में बासठ क्वेश्चन कुल मिला के बैटरी के चक्कर में सात मिनट बर्बाद हो गए भैया जो पीडीएफ मांगे उसे ब्लॉक नहीं कर दिया जाए बस एक बार हो गया भैया आपने लिख दिया रिप्लाई आ जाएगी ये नहीं है कि आपके कमेंट पढ़े नहीं जाते पूरे कमेंट पढ़े जाते हैं उसे बाद में रिप्लाई दिया जाता है पर एक ही कमेंट को बार 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 पेस्ट करने से क्या है मैं कहता हूँ आप ही टीचर बनोगे और कोई क्वेश्चन आप किसी चीज को एक्सप्लेन कर रहे हो और उसी में कोई आपसे पूछे सर इसका बताइए ना? ना क्या होगा इरिटेशन होती है ना बस यही चीज है मैं आपकी तरफ भी देखता हूं क्योंकि कई बार ये होता है कि बैटरी खत्म हो चुकी है और मुझे पता ही नहीं चले इसलिए आपके भी कमेंट देखता हूं ठीक है ना आओ निम्नलिखित में से सेव में कौन सा एसिड होगा तो सेव में जो एसिड होगी वो कौन सी होगी मैलिक अम्ल होती है तो बेटा मैं फिर याद दिला देता हूं पीडीएफ के लिए कोई समस्या है तो आप क्या कर सकते हैं इज़ामपुर का जो परीक्षागढ़ इसमें भी मिल सकता है परीक्षागढ़ और दूसरा हमारे टीचिंग लिए स्पेशली हमारा टेलीग्राम चैनल है कौन सा मैं लिख देता हूं कि फिर अब ना तुम लोग पूछो इजामपुर और मैं हमेशा बताता भी हूं एग्जामपुर टीचिंग स्कूल ऑफिशियल ये जो हमारा टेलीग्राम चैनल टीचिंग का इसमें भी मिल जाएगा ठीक है ना तो ये पीडीएफ अपलोड हो जाएंगे डोंट वरी ठीक है अगला बात कीजिए टमाटर में किस अम्ल का प्रयोग होता है या टमाटर में कौन सी अम्ल होती है आज ही बताया था कौन सी ऑक्जेलिक अम्ल सिक्सटी थ्री का ऑप्शन हो जाएगा ठीक है तो पीडीएफ कहां मिलेगी कोई समस्या किसी को तो नहीं है ना बेटा अब बता दिया अब मत पूछना मेरे भाई अगला निम्न में से किस अम्ल का प्रयोग वस्त्रों पर लगे लोहे और धूल के धब्बे हटाने के लिए किया जाता है क्वेश्चन हमारे यदि बात की जाए सिक्सटी फोर का तो इसका सबसे सही आंसर होगा कि लोहे के जंग और धूल के जंग हटाने के लिए किसका ऑक्जेलिक अम्ल का जो भी क्या करेंगे प्रयोग किया जाएगा ठीक है ना तो किसका उपयोग ऑक्जेलिक अम्ल नेक्स्ट किस अम्ल की उपस्थिति की से दूध जो भी आपका खट्टा होता है ठीक है ना तो भाई एसिडी होगा कौन सा एस्ट्रिक अम्ल सिट्रिक अम्ल एस्कॉर्बिक एसिड लैक्टिक अम्ल अब 65 पे आ जाए बेटा तो ये कह सकते हैं कि जो लैक्टिक अम्ल है किसमें दूध में पाए जाने वाले जो लैक्टिक अम्ल है इसकी प्रेजेंस या उपस्थिति के वजह से क्या होगा दूध आपका खराब होने पर खट्टा होगा ठीक है ना चलिए संजू काजरा भैया डी बोल रहे बिल्कुल सही अगला यदि बात की जाए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को किस नाम से जाना जाता है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को यदि बेटा जाना जाता है किस नाम से जाना जाएगा यह आपका म्यूराटिक एसिड या अम्ल के नाम से जाना जाता है ठीक है ना तो यह सिक्सटी सिक्स का डी ऑप्शन होगा और सेशन को एक बार लाइक और शेयर भी करते जाइए और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगला निम्न में से कौन सा अम्ल कर सकते माइल्ड एसिड या सौम्य अम्ल के नाम से जाना जाता है इसमें कौन सा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नाइट्रिक अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल बोरिक अम्ल इनमें से कौन सा एसिड माइल्ड एसिड के रूप में जाना जाता है लो भैया प्रीति कुमारी लैक्टिक एसिड लैक्टोमीटर, है लेक्टोबेस बैक्टीरिया फास्टराइजन डिस्कवर्ड बाय लुइस फास्टर सब ले आए अरे बाप रे बाप सारा भैया ज्ञान ले आग दिया ठीक है ना क्वेश्चन नंबर सिक्सटी तो देखो बेटा बात की जाए वेरी गुड मॉर्निंग सर्टी सिक्सटी सेवन का यह डी ऑप्शन बोरिक हमले का उपयोग आपकी आंखों के कर सकते हैं क्या यदि मान ली इन्फेक्शन है तो बोरिक पाउडर जो भी उसमें पानी में गर्म पानी में घोल के आंखों की सिकाई करने में भी काम आता है यदि माइल्ड इसमें से बाकी ये तीन यूज कर दिए तो आंख खत्म है चलो सिक्सटी सेवन के बाद नेक्स्ट प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन मुक्त होने का कारण क्या है तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन आपका जो भी निकलेगा किसके वाटर या जल के अपघटन के वजह से निकलेगा तो ये कह सकते हैं सिक्सटी एट का क्या हो जाएगा सिक्सटी एट की यदि बात की जाए बी ऑप्शन तो ये प्रकाश संश्लेषण के दौरान ये क्या होगा जो भी ऑक्सीजन गैस निकलेगी ये किसके जल के प्रकाशीय अपघटन या फोटोलाइसिस ऑफ वाटर के वजह से चले आगे आ जाओ अगला है स्टील और लोहे की धातु पे जिंक की पतली करना निम्न में से किससे संबंधित है तो भैया फिर से यदि बात की जाए यहां पे क्या कि जो स्टील और लोहे उस पे जंग लगने से बचाने के लिए जिंक धातु की परत चढ़ाई जाती है और यह जो परत चढ़ाने का तरीका है यह कहलाता है यशुद्ध लेपन या इसे कहते हैं ग्लेवेनाइजेशन कहते हैं तो यहां पे देखो सक्सेस लिखा पड़ा है ये गलत है इसका क्या होगा ग्लेवेनाइजेशन यह या या सदीकरण प्रक्रिया कहलाती है ठीक है ना 69 का सी निम्न में से कौन से धातु पे ऑक्साइड की परत होने की वजह से जंग नहीं लगती मतलब इनमें से कौन सी धातु है जिसमें क्या जंग नहीं लगती क्योंकि यह अपना ऑक्साइड बना लेता है ऑक्साइड की परत बना लेता है खुद ही अपने ऊपर इनमें से कौन सी धातु है जिसमें जंग नहीं लगती क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सत्तर अस्सी मिनट में सत्तर क्वेश्चन का एवरेज तक हम पहुंच चुके हैं ठीक है ना और इसको अस्सी में अस्सी करना है मतलब अगले दो घंटे में हम एक क्वेश्चन की तरफ बढ़ने वाले ठीक है ना चलो कोई बात नहीं बेटा कॉफी पी लो तुम्हारे ही अच्छे नसीब है घर बैठे बैठे पढ़ते भी रहो और कॉफी भी पीते रहो है तो देखो यदि बात की जाती है यहां पे जो एल्युमिनियम ऑक्साइड है एल टू ओ थ्री ये बनने के वजह एल्युमिनियम क्या करता है ये हाइड्रो ऑक्साइड की एक परत बना लेता है जिसके वजह से क्या होगा इसके ऊपर जंग नहीं लगती तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी धातु है जिसमें कभी जंग नहीं लगती तो एल्युमिनियम याद रखना बाकी कुछ नहीं अगला ऑयल ऑफ विट्रॉल का रासायनिक नाम ये ऑयल ऑफ विट्रॉल ये किसका रासायनिक नाम होगा क्वेश्चन नंबर 71 वन की यदि बात की जाए ये किसका नाम होगा तो ऑयल ऑफ विट्रॉल यदि बात की जाए फास्फोरिक अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल नाइट्रिक अम्ल इनमें से किसका जो भी रस कह सकते रासायनिक नाम होगा बताइए इनमें से कौन होगा जिसका कह सकते हैं कि क्या ऑयल ऑफ विट्रॉय भी कहा जाता है और इस एसिड का उपयोग आपके कहा लेड बैटरी में कार के जो भी कार और जो ट्रक है उसके बैटरी में भी उपयोग किया जाता है तो भैया अब तो बता दो 71 वन है बिल्कुल सही है सल्फ्यूरिक अम्ल सल्फ्यूरिकोर इसको क्या बोलते हैं ऑयल ऑफ विट्रॉल भी बोलते हैं ठीक है, है ना चले आओ नेक्स्ट क्वेश्चन सेवेंटी टू अगला है गर्मियों में अधिक पसीने से बचाव के लिए निम्न में से कौन सा योगिक घमौरी नाशक पाउडर के रूप में प्रयोग किया जाता है मतलब जो घमौरी नाशक पाउडर है इनमें से कौन सा केमिकल उसमें होगा यह बहुत अब समझ लो वही एसिड होगा जो स्किन को जलाए ना स्किन को मतलब डैमेज ना करे तो समझदार के लिए इशारा काफी है कि सेवेंटी का कौन सा होगा हाँ भैया एसी ड्रेन में भी यही होगा प्रीति कुमारी ठीक है ना चलिए भैया आप तो बता दे यार तो सेवेंटी टू का यहां पे क्या होगा जो बोरिक अम्ल होता है ये घमौरी नाशक ठीक है ना ये आप कह सकते हैं घमौरी नाशक या एंटी पिल पाउडर जो भी है घमौरी नाशक जो भी पाउडर होते हैं उनमें ये क्या पाया जाएगा ठीक है ना चले फिर आगे चलो अगला चर्म रोग में निम्न में से किस रेडियो एक्टिव समस्थानी का प्रयोग किया जाता है लेड लेड आयोडीन इनमें से कौन सा रेडियो एक्टिव का उपयोग चर्म रोगों के निवारण के लिए किया जाता है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी थ्री हां भैया आयोड्राफ बी जो भी में ठीक है बिल्कुल सही है तो बताइए इसमें चर्म रोग में निम्न में से किस रेडियो एक्टिव समाज का प्रयोग किया जाएगा लेड आयोडीन फास्फोरस हां बेटा प्रीति कुमारी 72 का भैया देखा था पे लोग फंसे पड़े और यहां पे यदि बात की जाए तो फास्फोरस फास्फोरस कह सकते हैं जो रेडियो आइसोटोप है इसका चर्म रोग के इलाज में भी किया जाता है उपयोग अगला क्यूरी टेम्परेचर या क्यूरी ताप क्या है तो देखो बेटा बात की जाए क्यूरी टेम्परेचर या कह सकते क्यूरी बिंदु वह बिंदु है जिसमें कह सकते हैं क्या जो चुंबक होगा अपना विद्युत चुंबकीय गुण त्याग देता है मतलब इस ताप तक गर्म करोगे तो वो क्या होगा इसमें चुंबकीय गुण खत्म हो गया और फिर जैसे जैसे ठंडा होगा उसमें क्या होगा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी या चुंबकीय गुण फिर से आ जाएगा 73 का कह सकते हैं क्या 73 का भैया सी मार मारो हाँ ठीक है और ये सेवेंटी फोर का क्या हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा चलो अगला वह संयंत्र कौन सा है जिसमें रेडियो एक्टिवता का प्रयोग पाषाण वस्तुओं के काल निर्धारण में किया जाता है मतलब यह कह सकते हैं कि इनमें से किसका उपयोग जो मतलब कह सकते हैं पाषाण या बहुत पुराने चीजों की आयु की गणना करने के लिए किया जाता है ठीक है ना इनमें से कौन से तत्व का एक समस्थानिक है जिसमें बहुत ज्यादा पुरानी जो भी चीजों की आयु का पता लगाने के लिए तो यहाँ पे देखो भाई कई है यदि बात की जाए कार्बन डेटिंग से तो 6000 से 8000 साल पुराने जो भी कर सकते हैं क्या वस्तुओं की आयु का पता लगाने में इसका प्रयोग कर सकते हैं परंतु यदि बात की जाए कि लगभग 10 लाख 20 लाख 30 लाख 40 लाख या 5 मिलियन या कर सकते हैं इससे पुरानी जो भी कर सकते हैं या पचास कर सकते हैं पांच बिलियन वो कर सकते हैं दो बिलियन तीन बिलियन ईयर्स पुरानी चीजों के पता लगाने के लिए तो विश्व की सबसे यदि बात की जाए सबसे पुरानी वस्तुओं की आयु का पता लगाने में किसका उपयोग करते हैं यूरेनियम डेटिंग तकनीक का उपयोग करते हैं तो यह भी भूलना नहीं परमाणु बम का आविष्कार यदि बात की जाए तो इसमें किसने किया था यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और परमाणु बम का आविष्कार जो भी है पहले भी बता चुका हूं जे रॉबर्ट ओपन हैमर ने किया था और इनका मानना था कि जो भाई मैंने परमाणु बम का आविष्कार किया इसमें भगवत गीता का मैंने अध्ययन करके ही क्या हो गया भगवत गीता की प्रेरणा से भाई क्या मैंने परमाणु बम के आविष्कार किया अब मुझे नहीं पता कि भाई क्या ऐसा भगवत गीता पढ़ने के बाद इन्हें ऐसा मिला कि जिसके कहते हैं कि भाई उसके बारे में भगवत गीता को पढ़ा है और भगवत गीता में बहुत ऐसी चीजें मिली जिसकी क्या प्रेरणा से मैंने परमाणु बम बनाया तो यह तो बात तो सही है कि जितने भी हमारे कह सकते वेद पुराण है ये साइंटिफिक है वैज्ञानिक है ना कि अंधविश्वास वो अलग बात है कि नए जो वेद पुराण आ रहे हैं इसमें कुछ भी लोग लिख दे रहे हैं जिसकी वजह से वेद पुराणों की महत्ता खत्म हो रही है ठीक है ना चले फिर आगे आओ अब इसी के साथ एट्टी सेवन कितना हो गया एट्टी सेवन मिनट सिक्सटी सिक्स क्वेश्चन हो हो अगला अमेरिका द्वारा जापान के ऊपर दो परमाणु बम गिराए थे उनमें से एक क्या नाम था तो भैया एक का नाम था देखा था क्या नाम था एक फैट वो क्या नाम है लिटिन बॉय और कौन सा था फैट मैन था तो उससे जो परमाणु बम गिराए गए थे अमेरिका द्वारा किस पे जापान पे एक का नाम था लिटिल बॉय और दूसरा का नाम था फैट मैन ठीक है ना ये भूलिएगा नहीं अगला नवी विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से किस का प्रयोग न्यूट्रॉन को अवशोषित करने में किया जाता है बेटा आज ही मैंने बताया था कि जो बोरॉन स्टील की रॉड है यह क्या होती है ये अब जब रासायनिक अभिक्रिया अनियंत्रित होती है उस समय यह न्यूट्रॉनों को अवशोषित करके नाभिकीय कर संयंत्र में अभिक्रिया को क्या करते हैं जो भी कंट्रोल या नियंत्रित करते हैं तो सेवेंटी सेवन सेवेंटी एट का ए अगला रेडियोता की कि खोज किसने किया तो बेटा बात की जाए रेडियो की खोज किसने किया तो उस साइंटिस्ट का नाम था हेनरी बैकुरल तो हेनरी बैकुरल वह साइंटिस्ट है जिसने क्या रेडियोता की कि खोज किया था ठीक है ना ये पहले भी करा चुका हूं अगला रेडियोक्टिव तत्वों में कोई भी परिवर्तन नहीं होता जब मतलब रेडियो एक्टिव तत्व जो भी होंगे यदि मान लीजिए उनमें से कौन सी किरण होगी जिस कौन सी किरण निकलेगी जिससे कोई परिवर्तन नहीं तो भैया कोई भी लीजिए जैसे रेडियो एक्टिव तत्व है यदि इससे क्या हो कि गामा किरण निकलेगी कुछ नहीं होने वाला यदि बात की जाए इस रेडियो एक्टिव तत्व से क्या निकलेगा अल्फा किरण निकलेगा तो वो चीज क्या हो जाएगी आवर सारणी में दो अंग देखा तो क्या हो जाएगी आवर सारणी में बात की जाए उसके परमाणु क्रमांक में दो की घटोतरी होगी और परमाणु द्रव्यमान में चार की घटोतरी होगी और यदि वही यदि क्या निकलेगा सिंपल से बीटा किरण तो बीटा किरण क्या होते हैं इनमें यदि होगा तो उसके क्या होगा कह सकते हैं परमाणु क्रमांक में एक की कमी होगी क्योंकि बीटा किरण तेईस गतिशील जो भी क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन होते हैं ठीक है ना तो ये गामा किरण के उत्सर्जन से कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा ठीक है चलो वह कण जो यूरेनियम की नाभिकीय विखंडन अब क्रिया में सतत श्रृंखला अपक्रिया के लिए प्रधान कारक है मतलब नाभिकीय विखंडन वह प्रक्रिया है जिसमें यदि बात की जाए तो क्या होगा जैसे बानवे यूरेनियम 235 है इससे जो भी क्या कौन टकराएगा न्यूट्रॉन तो इससे यह क्या होगा दो पार्ट में टूट जाएगा एक ब्रेरियम और क्रिप्टॉन ठीक है ना तो ये कह सकते हैं कि ये जो नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया इसमें मेन भूमिका किसकी होती है ये एटी वन का बात की जा सी होगा कैडमियम जो भी बोरॉन रॉडिया कौन कौन ले आ रहे भैया ग्रेफाइट ऑनियन एंड चनाब रॉबर्ट अच्छा पूरा कंक्लूजन लेके आया भगवान है भगवान और यह भी है कि जब न्यूक्लियर वो क्या नाम है टेस्ट हुआ था कहां पे राजस्थान के पोखरण में तो काफी कई मतलब काफी मतलब ऊंची जो भी प्याज की एक लेयर बनाई गई थी कि जिससे रेडिएशन बाहर न जाए ठीक है ना ठीक है चलो आगे बहुत अच्छा विद्यासागर बहुत अच्छा बताया कुछ चीजें नावकी रिएक्टर की खोज किसने किया भैया तो भैया नावकी रिएक्टर की बात की जग, खोज किसने किया उस साइंटिस्ट का नाम है एनरिको फर्मी क्या नाम है, उस का नाम होगा. फर्मी नाम के जो है उन्होंने क्या किया भाई सिंपल सी बात है ये नाव रिएक्टर की जो भी डिस्कवरी या खोज किया चले अब लो भाई इसी की कमी थी नाव रिएक्टर में ग्रेफाइट का उपयोग तो सोचो दो चीजें एक तो आपका ग्रेफाइट हो गया और दूसरा डी टू भारी जल इन दोनों का उपयोग एक जैसा है क्या होना चाहिए ठीक है तो नाभिकीय रिएक्टर में यदि बात की जाए तो जो भारी जल है यह किसके रूप में यूज होगा यह मॉडरेटर या मंदक मतलब मॉडरेटर या मंदक वे होते हैं जो न्यूट्रॉन की स्पीड को कम कर देते हैं ठीक है ना जिनसे गुजरने के बाद या इन पदार्थों से गुजरने के बाद न्यूट्रॉन की स्पीड कम हो जाएगी क्वेश्चन नंबर आपकी बात की जाए कौन सा एटी फोर चौरासी नंबर का क्वेश्चन संभारिक क्या होता है तो बेटा संभारिक यदि बता दूं तो इनके परमाणु क्रमांक क्या होंगे अलग अलग होंगे और परमाणु द्रव्यमान समान होंगे तो देख लो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या तो भैया बिल्कुल दिख रहा है यहां पर एटी फोर का क्या हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा ठीक है चले बच्चा बहुत बहुत धन्यवाद बच्चा कितनी मेहनत से आप लोग सुबह छह बजे आते हो सही बता रहा रहे दिल से दुआएं निकलती है कि भाई सारे के सारे, सारे सेलेक्ट हो जाओ क्योंकि छह बजे यार मैं भी अपने टाइम में जल्दी बड़ी मुश्किल से उठता था और आप लोग देखता हो कई तो वे स्टार्ट होने से पहले से बेचारे जगह होते हैं तो सही बता रहे ये किसी भी मतलब टीचर को बहुत अच्छा या अच्छा से अच्छा पढ़ाने के लिए प्रेरित करता है ठीक है ना हम कहाँ से आपको मोटिवेट करें आपकी खुद की जो मदद कर सकते हैं जो तरीके है वो हमें खुद मोटिवेट कर रही है सुबह पांच बजे यदि सेशन लाना होगा एक सेशन में वो भी कर सकता हूं ऐसी कोई बड़ी बात नहीं दो चार दिन के लिए यदि बात है तो क्योंकि इससे पहले वीपी में बजे सुबह भी क्लास लिया क्योंकि बच्चे ऐसे थे ठीक है ना आइए परमाणु द्रव्यमान संख्या किस प्रकार ज्ञात की जाती है तो बेटा सीधे से बता देता हूं तुम ध्यान से समझ लो ये मान लो जैसे कि क्या हो गया सोडियम ट्वेंटी थ्री है तो ये जो ऊपर वाला भाग है ना ये परमाणु बताता है और परमाणु में किसी तत्व का परमाणु से क्या समझोगे उसके नाभिक में उपस्थित कुल जो भी कह सकते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या तो क्या होगा न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की कुल संख्या के योग किसको बताता है परमाणु द्रव्यमान को ठीक है ना तो 85 का क्या होगा सी चले आगे आ जाओ अगला वो न्यूक्लाइड जिसके परमाणु क्रमांक समान होते हैं मतलब ये कह सकते हैं कि न्यूक्लाइड या कह सकते हो वो मतलब कह सकते हैं परमाणु ठीक है ना तत्व जिनमें यदि बात की जाए कि क्या होगा परमाणु क्रमांक समान है परमाणु क्रमांक समान है और परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होगा तो वो क्या कहलाएंगे सीधी सी बात है समस्थानिक कहलाएंगे समस्थानिकों के रासायनिक गुण कैसे होंगे समान होंगे अलग अलग होंगे समान होना आवश्यक है भिन्न होना आवश्यक है क्वेश्चन नंबर 87 तो बताइए बेटा एटी सेवन का क्या इसमें हो सकता है क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि परमाणु जो समस्थानिक को होते हैं इनके कह सकते रासायनिक गुण कैसे होने चाहिए समान होने चाहिए अलग अलग या समान होने ही चाहिए या अलग अलग होने चाहिए तो बेटा जैसे मान लो मैं बने बताया जैसे एलिमेंट सोडियम ट्वेंटी थ्री हो गया और इलेवन सोडियम ट्वेंटी फोर यह दोनों समस्थानिक है दोनों में यदि बात की जा, की जाए इलेक्ट्रॉन संख्या क्या समान है 11 है तो दोनों की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे समान और ये क्या होंगे जिस इसके जितने भी समस्थानिक जो बॉन्ड या बंध बनाएंगे वो सोडियम के किस तरह के वैद्युत संयोजक की बनाएंगे क्यों क्योंकि सब चाहते हैं कि उसके बाहरी कक्षा में आठ इलेक्ट्रॉन हो जाए तो सोडियम के जितने भी समस्थानिक हो गए यह कैसा बंद बनाएंगे ये आपका वैद्युत संयोजक इसका मतलब रासायनिक गुण क्या होना चाहिए समान होना चाहिए एट्टी सेवन का यह क्या हो जाएगा ए ऑप्शन होगा ठीक है चलो अगला परमाणु जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है यह भी देखो तुम्हें बताने की जरूरत नहीं बहुत इजी है परमाणु जिनमें कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान और इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉनों की संख्या समान पर न्यूट्रॉनों की संख्या क्या अलग अलग यह भी क्या कर लेंगे समस्थाने. तो किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटोनों की संख्या समान होती है अगला एक ये देखा एम टू आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 284 है इसका परमाणु द्रव्यमान 56 है इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी बताइ बेटा बहुत इजी है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इतना है मतलब सिंपल सी बात है यह कहा जा रहा है इलेक्ट्रॉन की संख्या यही होगी तो यह कितना हो गया चौबीस हो गया मेरे हिसाब से ठीक है ना तो ऐसे मान लो कोई एलिमेंट या तत्व है मान लो नहीं नहीं छोड़ो यह मान लीजिए जो भी एलिमेंट या तत्व है जिसका परमाणु चौबीस और ये छप्पन परमाणु द्रव्यमान न्यूट्रॉन की संख्या इसमें से कितनी हो सकती है पर इसमें से कर सकते हैं क्या और दो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गए तो सिंपल सी बात है इसका आंसर क्या होना चाहिए थर्टी टू होना चाहिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है ठीक है ना चले आगे चलिए बहुत अच्छा अब देखो इनमें से कौन सा आइसोटोन होगा तो इनमें से आइसोटोन वे होंगे जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या देखो भाई समान होगा इनमें से कौन से पेयर या जोड़े लिखे गए जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान आएगी थोड़ा देखिए तो सोचिए इनमें से कौन सा सही होगा जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान आएगी कोई है इसमें 19 का देखिए 90 नंबर क्वेश्चन का अधिमान जब फ्लोरिन की 9 आ गई ये हो गया आठ इसमें भी यदि बात की जाए आठ आएगा पर ये गड़बड़ हो रहा है इसमें यदि बात की जाए इसमें भी इसमें छह आएगा इसमें सात आएगा इसमें फिर देखा नौ आ गया ये भी मैच नहीं इसके बाद इसमें आठ आ गया इसमें सात आ गया फिर उसके बाद यदि बात की जाए यहां पे क्या हो गया आठ आ गया ये भी नहीं कार्बन यहां पे यदि बात जाए कितना ये आठ आ गया इसके बाद यदि बात की जाए सात आ गया ये छह इनमें से सही बता रहा हूं तो कोई भी नहीं यदि बात की जाए आइसोटो की बात की जाए न्यूट्रॉनों की संख्या तो ये देखो भाई क्या हो सकता है एक जैसे टू एच फोर एक एग्जाम्पल ऐसा भी हो सकता है फिर वन एस थ्री इनमें से तो कोई भी मैच नहीं कर रहे सही बता रहा हूं यदि ये बात की जाए कार्बन चौदह नाइट्रोजन वो क्या नाम है सात ये भी देखो भी मैच नहीं कर रहा है कोई भी इनमें से ऑप्शन यदि बात की जाए तो कोई भी ऑप्शन इसमें से मैच नहीं कर रहा है ठीक है ना तो ये क्वेश्चन ऐसे ही बना दिए गए हैं ऐसे टाइप किए गए हैं क्या कर सकते हो अब ये क्वेश्चन अगला दो तत्व x और y एक दूसरे के आइसोटोनिक है मतलब न्यूट्रॉन की संख्या इनमें क्या है समान है मतलब ये क्या है x और y ये आइसोटोनिक है मतलब कह सकते क्या इसमें क्या होगी न्यूट्रॉन की जो संख्या है ये समान ठीक है जिसका परमाणु भार मतलब जो एक्स है और वाई है इनके परमाणु भार दिए गए चौवन और छप्पन दिए गए यदि एक्स का परमाणु क्रमांक क्या हो जाए छब्बीस हो जाए ठीक है ना तो आपको बताना है कि वाई का परमाणु क्रमांक ये क्या होगा बहुत इजी क्वेश्चन है सोचो न्यूटन की संख्या समान है बहुत अच्छा क्लू है और न्यूट्रॉन की संख्या समान है तो भैया देखो क्या होगा बहुत इजी क्वेश्चन है दिमाग नहीं लगाना इस पर देखते कौन दिमाग लगा के सही बताता है क्वेश्चन नंबर नाइनटी वन दिमागी तो नहीं लगाना दिमाग लगा तो ये गलत होगा पक्का गलत होगा चलो बेटा देखो दिमाग नहीं लगाओ 24 में से ये चौवन में से 26 घटा दिया ये बचा कितना ये ये 14 में से 8 28 तो भैया इसके की जाए कि यहाँ पे कह सकते हैं परमाणु भार इतना है तो परमाणु भार यदि मान लीजिए एटोमिक मास टू क्या होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटोन अब देखो भाई परमाणु भार छप्पन दे दिया गया न्यूट्रॉन की संख्या तुम्हें क्या है पता है अट्ठाईस तो प्रोट्रॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या ही बता दी गई परमाणु क्रमांक छप्पन में से अट्ठाइस घटाया आ गया तो इसका परमाणु क्रमांक कितना आएगा ये आएगा ट्वेंटी समझे तो समझाता हूं देखो बेटा यहां पर पहले कह दिया गया कि भाई क्या न्यूट्रॉन की संख्या समान है तो चौवन में से छप्पन घटाओगे तो कितना न्यूट्रॉन की संख्या अट्ठाइस आ गई और परमाणु द्रव्यमान बराबर क्या होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन ठीक है

क्वेश्चन नंबर 92 टू सोचिए दो मोल यदि बात की जाए ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान क्या होगा गोविंद मंगल भैया यह नहीं होगा बच्चा क्वेश्चन नंबर 92 टू नहीं समझे भाई देखो ऑक्सीजन यदि बात की जाए ये ऐसे होता है कैसे होता है ऐसे O2 फॉर्म में होगा ठीक है तो यदि मान लीजिए कि क्या कर सकते हैं ऑक्सीजन का ठीक है ना ऑक्सीजन का यदि बात की जाए कि मान लीजिए यहां पे ऐसे कर सकते हो कैसे यहां पे एक मोल का जाए ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना है भाई बत्तीस भाई इसके हिसाब से क्या होगा ऑक्सीजन हमेशा में होता है तो परमाणु पर कितना यहां पर दिया गया कि ऑक्सीजन ये है ये ऐसे लिखा जाता है एक ऑक्सीजन का तो ये कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन का परमाणु द्रमाण सोलह है परमाणु क्रमांक आठ है ठीक है ना तो यहां कि दो मोल का मान लिया यदि बात की जाए कि एक मोल ऑक्सीजन का जो कर सकते हैं द्रव्यमान होता है बत्तीस तो भैया दो मोल का कितना हो जाएगा बत्तीस गुणे क्या कर दो, दो कर दो ये चौसठ ग्राम आपका होगा ठीक है ये कितना होगा सिंपल से बात कर सकते हैं कि चौसठ ग्राम होगा इजी सी बात है कोई दिक्कत ही नहीं है ठीक है तो ये हो सकता है किसके बारे में इसको लेके ठीक है चलिए धातु की सतह से एक निश्चित और न्यूनतम जो भी मतलब क्या कि प्रकाश टकराएगा तो क्या निकलेगा वैद्युत तो उत्सर्जन या इलेक्ट्रॉन निकलेंगे इसका सबसे परफेक्ट आंसर होगा एक निश्चित तरंग दर्द की जब प्रकाश टकराएगी तो इसमें क्या हो जाएगा सिंपल सी बात है इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और इससे करंट दौड़ जाएगी तो यह क्या होगा सिंपल सी बात है यह जो इफेक्ट है जब धातु की सतह पे एक न्यूनतम तरंग दर्द की प्रकाश डाली गई जाएगी और इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो धारा जो बहेगी उसे प्रकाश वैद्युत धारा और इसे सबसे पहले एक्सप्लेन किया था एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ठीक है अगला जब हीलियम परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता तब बन जाता है भैया जब सिंपल सी बात है यह जब हीलियम है ठीक है ना ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो ये किस में बदल जाएगा हीलियम जो जो भी भी सकते हैं। के रूप में जो भी क्या होगा ये बदल जाएगा तो बी फोर का है ना आइसोटोनिक क्या होता बता है आइसोटोनिक बेटा ऐसे कह सकते हैं क्या तत्व होते हैं जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है ठीक है बेटा तो इलेक्ट्रॉन पे आवेश के सुनिश्चित मान का निर्धारण किया गया भैया देखो आर ए मिलकन नाम के साइंटिस्ट थे इनके द्वारा ऑयल ड्रॉप क्या ऑयल ड्रॉप एक एक्सपेरिमेंट किया गया किसके लिए इलेक्ट्रॉन पे आवेश निर्धारित करने के लिए बता दिया ना ऑप्शन अगला पदार्थ का परमाणु सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा दिया गया भैया परमाणु सिद्धांत पदार्थ का सबसे पहले यह जॉन डाल्टन द्वारा दिया गया था फिर जेजे थॉम्सन आए फिर उसके बाद रदरफोर्ड आए उसके बाद नील्स बोर हाइजनबर्ग ये तमाम साइंटिस्ट आए फिर पॉली साहब आए अगला नाभिक के आकार यदि बात की जाए किसमें मापी जाती है तो नाभिक का आकार यदि बात की जाए तो यह किसमें मापी जाएगी फर्मी में और एक फर्मी बराबर यदि बात की टेंट पावर माइनस फिफ्टीन मीटर होता है ठीक है ना तो नाभिक का जो भी आकार फर्मी में मापा जाता है और ये किसके नाम पे एनरिक फर्मी ने के नाम पे ये रखा गया यूनिट या मात्रक रबड़ के साथ सल्फर रबड़ को सल्फर के साथ गर्म करके रबड़ की गुणवत्ता बढ़ाने की जो प्रक्रिया है यह क्या कहलाती है तो यह प्रक्रिया आपकी कहलाएगी वर्कनाइजेशन या कह सकते हैं वर्कनीकरण और एक से थ्री परसेंट यदि सल्फर आप मिलाओगे तो यह क्या होगा जो भी कह सकते हैं सॉफ्ट या नरम रबड़ बनेगा और यदि मानिए तीन से पांच प्रतिशत सल्फर मिलाओगे तो यह क्या होगा जो भी हार्ड या कठोर जो भी रबड़ बनेगा ठीक है बैटरी खत्म है हा? हाँ बेटा आज पता नहीं बैटरी में से क्यों इतना नाराज है ये सुबह से चौथी बैटरी चेंज की गई है या मेरे शरीर में वो बैटरी की एनर्जी शायद मेरे शरीर में आ रही है कि मैं थक नहीं रहा हूं और बैटरी वही इसी में खत्म हो जा रही है चलो आ जा बर्तनों के ऊपर नॉन स्टिक की लेप की कलई करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है तो दो भी नॉन स्टिक बर्तन बनाने के लिए एक सब्सटेंस या पदार्थ की जो भी कवरिंग की जाती है जिसको बोलते हैं टेफलॉन तो जितने भी नॉन स्टिक फ्राई आप लाते हैं जिसमें मतलब कोई भी चीज़ फ्राई करने पर चिपकती नहीं काले कलर की एक मोटी लेयर आपके वो फ्राई पैन में होती है ये कौन सी होगी सिंपल सी बात है टेफलॉन होगी तो नाइनटी नाइन का सी और इसी के साथ हम शतक लगाने वाले हैं ठीक है निम्न में से कृत्रिम रबड़ किसे कहा जाता है लियोप्रीन मोनोप्रीन नियोप्रीन आइसोप्रीन जो कृत्रिम रबड़ है ठीक है ना ये जो कृत्रिम रबड़ का है ये किससे कहा जाता है और एक चीज याद रखना है कोई भी रबड़ यदि नेचुरल या प्राकृतिक आप पाते हो जब तक सल्फर नहीं मिलाओगे तो वो रबड़ की जो भी स्पीसीज या जो भी प्रजाति है वो आपके किसी भी काम लायक नहीं होगी ठीक है ना तो कृत्रिम रबड़ यदि बात की जाए तो इसमें कौन सा हो जाएगा यह नियोप्रीन और यदि नेचुरल या प्राकृतिक कौन सा होगा आइसोप्रीन यह कौन सा हो जाएगा आइसोप्रीन आपका प्राकृतिक है जो आपको के पेड़ से प्राप्त होता है और नियोप्रीन यदि बात की जाए तो इसमें कौन सा हो जाएगा नियोप्रीन की यदि बात की जाए तो जो नियोप्रीन होगा यह आपका कह सकते हैं क्या यह सिंथेटिक या कह सकते हैं कृत्रिम रबड़ होगा हंड्रेड का सी अगला रेन के उत्पादन में निम्न में से किसका प्रयोग करके प्रयोग कच्चे माल के रूप में प्रयोग, प्रयोग किया जाता है मतलब रेन जो है उसके रेउन जो कर सकते हैं फाइबर है बनाने में इनमें से कच्चे माल के रूप में किसका प्रयोग किया जाए क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड वन एक सौ एक के हम आगे चल रहे हैं एक सौ एक तो भैया रेयन जो भी यदि बात की जाए तो यह क्या सेलुलोज से बनाए जाएंगे और देखो भाई रेयन के फाइबर बनाने में एक और चीज़ का उपयोग किया जाता है जैसे आपने सुना होगा फ्लैक्स सीड जो भी प्लांट है अलसी के बीज का जो पौधा है इसका भी लोग क्या करते हैं कि भाई सिंपल सी बात है इंडस्ट्रीज़ में इसके पौधे को लेके फिर मशीनों से इसको क्या की जाती है मतलब जो भी मशीनों के अंदर डाली जाती है बेलन्स के अंदर जिससे ये एकदम चिपटे हो जाते हैं फिर इससे फाइबर निकाले जाते हैं तो सेलोज क्या है रॉ मटेरियल किसके रेयन के फॉर्मेशन के लिए

के रूप में दो भी इसका क्या किया जाता है इसका उपयोग बार किसमें शामक शामक मतलब जो नींद जैसी स्थिति उत्पन्न करे पर नींद नहीं आ रही वो एकदम शांत हो जाएगा तो ट्रैंकुलाइजर के रूप में यूज किया जाएगा ठीक है ना सेडेटिव और ट्रैंकुलाइजर दोनों के रूप में उपयोग होगा तो वन का ए अगला फोटोग्राफी के फिल्म बनाने के लिए चांदी के आ, किस जो भी मतलब लवण का प्रयोग किया था कुछ नहीं करना यहां पे सिंपल सी बात है चांदी का जो लवण होगा उसका नाम है ए जी बी आर सोल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाएगा और ये एक होता है क्या ए जी थ्री इसे बोलते हैं क्या बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट क्योंकि क्वेश्चन आते हैं तो सोचता हूं यही बता ही दूं सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग होता है किसके ओटिंग इंक बनाने में जब आप क्या कहते हैं मतदान करने जाते हो तो आपके नाखून पे एक इंक लगाई जाती है उस इंक नाइट्रेट मिला होता है तो 103 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही सामान्यता बात की जाए फोटोग्राफी फोटोग्राफी में प्रयुक्त होना हाइपो शब्द किसका रासायनिक जो भी नाम है क्वेश्चन नंबर 100 यदि बात की जाए 4 तो यहां पे यदि बात की जाए तो ये रासायनिक नाम किसका है सोडियम थायो सल्फेट का ठीक है ना तो ये हाइपो सॉल्यूशन ये क्या होगा Na2S2O3 अगला फिलोसफर उल किसको कहा जाता है फिलॉसफर उल की यदि बात की जाए यह कह सकते हैं क्या जो भी फिलॉसफर है उनका उन किसको कहा जाता है जिंक ऑक्साइड को कहा जाएगा ठीक है चलो नेक्स्ट अभी दो ठीक है निम्नित इनमें से किसका उपयोग धुएं वाले, बम बनाने, वाले गुण गुण? गुण गुण। मतलब बम बनाने में किया जाता है इनमें से किसका उपयोग धुएं वाले स्मोक जो भी मतलब स्मोक बम बनाने में किया जाता है का तो भैया देखो धुएं वाले बम बनाने में किसका ये किसका यह उपयोग किया जाएगा फास्फोरस का क्यों मैंने कहा था कि फास्फोरस ये जब हवा में रखी जाती है धू धू करके ये सिंपल सी बात है जलता है तो फास्फोरस बम का उपयोग स्मोक या कर सकते धुएं वाले बम बनाने में इसका क्या किया जाएगा उपयोग किया जाएगा ठीक है भाई थके तो नहीं आप सभी चलो और ये जब भी आप, आप आपका लास्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं समुद्र में गहराई में तक जाने में गोताखोर यदि बात की जाए किस गैस का मिश्रण उपयोग करता है तो भैया देखो भाई गोताखोर ऑक्सीजन के साथ किसका उपयोग करेगा हीलियम गैस का उपयोग करेगा क्यों क्योंकि भाई हीलियम गैस हल्की होती है उसको शरीर को हल्का बनाएगी और दूसरी बात हीलियम गैस हमारे शरीर के किसी भी टिश्यू या उत्तक के साथ अब क्रिया भी नहीं करती तो ये 107 का ये अगला कौन सी गैस जल में घुलने पे जल को छारी बना देती है इनमें से कौन सी गैस है जो जल में यदि घुलेगी तो उससे क्या बेसिक या छारी बना देगी तो सिंपल सी बात है ये अमोनिया यदि अमोनिया जल में घुलेगी तो क्या बनेगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और छारी हाइड्रोजन घूलने से कुछ होगा नहीं कार्बन डाइऑक्साइड घुलेगी गु, तो कार्बोनिक अम्ल बनेगा अमली बनाएगी सल्फर डाइऑक्साइड यदि मान लीजिए कर सकते हैं एस टूओ के साथ सल्फर डाइऑक्साइड की रिएक्शन हो गई तो ये सिंपल सी बात है ये अमली बनाएगा पर अमोनिया छारी बनाएगी और आज के जो भी ये कर सकते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ समुद्री जल से कौन सी धातु निकाली जाती है तो समुद्री जल से यदि बात की जाए कि कौन सी धातु आपकी निकाली जाएगी तो समुद्री जल से इसमें कौन सा ये आपकी बात की जाए कौन सी मैग्नीशियम धातु ये पर्याप्त मात्रा में निकाली जाती है क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड नाइन और आज का एक लास्ट क्वेश्चन और बस इसके बाद भैया कल मिलेंगे चलते चलते निम्नलिखित में से किसका प्रयोग टूटी हुई रेल की पटरियों या तथा टूटे हुए मशीन के अंगों की मरम्मत या वेल्डिंग के लिए किया जाता है क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड टेन तो भैया वन हंड्रेड टेन में यदि बात की जाए तो जो एल्यूमिनियम पाउडर है इसका उपयोग मतलब रेल की पटरियां जहाँ क्रेक है उसको भरने के लिए या कोई भी मतलब मशीन के पार्ट टूटे हैं उसको जोड़ने के लिए किया जाता है क्यों क्योंकि जोड़ने के बाद इसमें क्या होगा जंग भी नहीं लगेगा और मजबूती अच्छी आ जाएगी तो ठीक है ना ताज का सेशन यही पे जो भी खत्म करते हैं और अच्छे से पढ़िए भगवान घर सारे देखा सुपर टेट में बहुत अच्छा करो और कल फिर मिलेंगे जय इस्जामपुर विजय कर